तो दोस्तों स्वागत है आप सबका आज के शानदार सेशन में। और उससे पहले बस एक बार कंफर्म कर दीजिए कि वॉइस वीडियो ऑडियो सब कुछ परफेक्ट है। हेलो एवरीवन, सर शुरू कीजिए सेशन। बिल्कुल शुरू कर दिए, थोड़ा कनेक्टिविटी इशू था, मैंने सोचा कि एक बार कनेक्टिविटी परफेक्टली आ जाए उसी के बाद ही स्टार्ट करेंगे तो बेहतर होगा, नहीं तो बीच में अगर ग्लिचस आया तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसीलिए तो एक बार आप लोग मेरे ख्याल से चलिए, तो वॉइस मेरे ख्याल से पूरा बढ़िया है और सेशन को हो सके तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत ही जबरदस्त सा सेशन रहने वाला है। यहाँ पे जो भी आज मैं पढ़ाऊंगा बहुत ही ध्यान से आप लोगों को सीखना है और एग्जामिनेशन में इंप्लीमेंट करना है। और ये ट्रिक जो है नंबरिंग ट्रिक, ये बहुत अरसों से चला आता है, बस इसको प्रॉपरली एक बार अगर आप सीख जाएंगे तो बहुत ही गजब रेट से आप उनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वेरी गुड इवनिंग, बच्चे जुड़ने लगे हैं, ऑल क्लियर। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आया था, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड, क्या हो गया आज मेरे साथ। सबसे लास्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, एक सेकंड, एक बार देख लीजिए, बहुत सारे टाइप के हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एसबीआई के पीओ में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था और मैं इस सवाल को बिना कुछ स्टेप लिखे ही सॉल्व करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा पेशेंस बनाए रखना है ताकि ये जो नंबरिंग ट्रिक है इसको आप प्रॉपरली सीख पाए। चलिए, तो मेरे ख्याल से सबको ही रेडी है, अगर रेडी है तो एक बार बस कमेंट कर दीजिए यस वी आर रेडी, फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चलिए वेरी गुड ऑलमोस्ट, चलिए वॉइस क्लियर है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज के सेशन को। यस विजिबल, वेरी गुड। तो ये रहा आपका, सबसे पहले आप रहें ना रहें मुझे आज कोई फर्क नहीं पड़ता, आज मैं बिल्कुल शांति से पढ़ाने वाला हूं क्योंकि यहां पे थोड़ी सी लापरवाही मेरे अरेंजमेंट को बिगाड़ सकता है। तो मैं पूरा आराम से चीजों को सिखाऊंगा और आप ढंग से चीजों को सीखिए, जहां पे कुछ भी डाउट हुआ तो बिंदास बोलिए, चीजें क्लियर करके एक ही बार में जाइए। चलिए रेडी, सबको रेडी है, तो सबसे पहले मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं आपको। बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद मैं आपको इसका ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, यहां पर जो नीचे लिखा गया शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। अब बेसिक कॉन्सेप्ट अगर मैं बात करूं तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका है क्या, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हार्डली बस इतना मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर मुझे एक इनपुट दे दिया गया हो 81, 49, 64, 2500, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आराम से प्यार से देखिए, ठीक है। अब इसको मुझे आउटपुट जो निकालना है वो सीधा सीधा एक असेंडिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम में मुझे ऑर्डर में सजाना है। लेकिन जो सजा सकता हूं मैं दो मेथड में सिखा सकता हूं आपको, शिफ्टिंग मेथड में सजाया जा सकता है और अरेंजमेंट मेथड में सिखाया जाता है। ध्यान से देखिएगा, शिफ्टिंग मेथड में सिखाया जा सकता है या फिर किया जा सकता है, अरेंजमेंट मेथड में किया जा सकता है। यस वी आर रेडी, चलिए। अब मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर सजाना है तो इस इनपुट का अगर मैं अरेंजमेंट मेथड में करूं तो कैसे आएगा, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसका स्टेप वन की, तो इसका स्टेप वन कुछ इस तरह दिखेगा। मुझे कैसे ऑर्डर में चाहिए, मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, मतलब बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में अगर मुझे अरेंजमेंट मेथड डालना है तो मैं सबसे पहले छोटे नंबर को पिक करूंगा, सबसे छोटा नंबर कौन है, 25, उसको मैं सबसे पहले ले आऊंगा स्टेप वन में। तो सबसे पहला एलिमेंट मेरा बन गया 25। और ध्यान दीजिएगा, यहां पर चाहे मैं शिफ्टिंग मेथड यूज करूं या फिर अरेंजमेंट मेथड यूज करूं, मैं एक ही एलिमेंट प्रोसेस करूंगा, मतलब जिसको चेंज करना है उसी को प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। तो मैं एक एलिमेंट ही प्रोसेस करूंगा, दो एलिमेंट कहीं पे भी प्रोसेस अभी के लिए नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चंस तो है इस स्टेप में नहीं है, ठीक है, एक ही एलिमेंट को प्रोसेस करूंगा। तो अगर मैं बात कर रहा हूं अरेंजमेंट मेथड की, तो मैंने सिर्फ 25 को आगे ले आया, क्यों, क्योंकि मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में सजाना है, तो सबसे पहले 25 आएगा और हूबहू बाकी वाले नंबर मुझे कोई चेंजेस नहीं करने क्योंकि मैं सिर्फ एक ही एलिमेंट को प्रोसेस कर सकता हूं और वो 25 ही है। तो बाकी उसके बाद 81 चला आएगा, फिर आपका 49 चला आएगा, फिर आपका 64 चला आएगा, लेकिन और 25 नहीं आएगा क्योंकि 25 स्टार्टिंग में है, तो लास्ट में अपना 100 जगह रहेगा 100 का। क्लियर है मेरे ख्याल से। अब नेक्स्ट कंडीशन, थ्री स्टेप, चलिए वेरी गुड, बहुत बहुत सारे शॉर्टकट अभी तक नहीं आया, लेकिन बेसिक ना सीखने से कभी शॉर्टकट नहीं डाल सकते। अगर स्टेप टू की बात करूं तो याद रखिएगा अरेंजमेंट मेथड में मैं अरेंज करते चल रहा हूं, मतलब जिसको जो पोजिशन में बैठाना है मैं उसको उसी जगह में बैठाते आ रहा हूं, मतलब मुझे इंक्रीजिंग में सबसे पहले 25 छाया था तो मैं अब हर जगह स्टार्टिंग में उसी 25 को फिक्स करके रखूंगा, मतलब 25 जिस जगह में पहुंचना था वो पहुंच चुका है। अब नेक्स्ट किसको पहुंचाना है, भैया बढ़ते क्रम में 25 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन आएगा, 49, तो वो चला आएगा स्टार्टिंग में 49। तो एक ही एलिमेंट मैंने प्रोसेस कर दिया, अब हूबहू जहां पे 81 था ऑर्डर आपका 81 आ जाएगा, फिर आपका 64 आना था 64 आ जाएगा, फिर आपका 100 आना था 100 आ जाएगा। क्लियर है। अब स्टेप थ्री की बात करूं तो मैंने किसको किसको पहुंचा दिया अपने जगह, 25 को अपने जगह पहुंचा दिया, 49 को अपने जगह पहुंचा दिया, अब 25 और 49 के बाद नेक्स्ट बड़ा नंबर कौन आ रहा है, 64, उसको मैं
मैं यहां पे ले आऊंगा 64। अब 64 को मैं अरेंज करते ही अपना नेक्स्ट जगह 81 ले लेगा और नेक्स्ट जगह 100 ऑलरेडी है। सर अब 81 आएगा? बिल्कुल 81 नहीं आएगा। अगर मैं ध्यान से आपको देखने की बात करूं तो स्टेप 3 में 25, 49, 64, 81, 100 पूरा का पूरा असेंडिंग ऑर्डर में सज चुका है। अब आपके दिमाग में सबसे पहला डाउट, सर हम हर स्टेप में एक एक एलिमेंट को प्रोसेस कर रहे थे, पहले स्टेप में 25 फिर 49 फिर 64, ऐसे करके हमें 84 और 81 और 100 को शिफ्ट या फिर अरेंज क्यों नहीं करना पड़ा? क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी डिजायर्ड पोजीशन में पहुंच गए। 81 जहां पे आना था और 100 जहां पे आना था वो खुद पहुंच गए, और वो खुद व खुद पहुंचने को हम बोलेंगे ऑटो अरेंज। वो लोग ये आपको किताब में भी मिल जाएगा, किसी भी किताब देखेंगे तो ये सब कुछ वर्ड्स आपको मेंशन हो जाएगा, ऑटो अरेंज हो चुके हैं, मतलब वो खुद अपने जगह में बैठ चुके हैं, हमें उनके लिए और स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं अरेंजमेंट मेथड में बात करूं तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप में मेरा काम बन गया। अब वही चीज को अगर मैं शिफ्टिंग मेथड में डालूं तो देखिए चीजें कैसे होगा कि शिफ्टिंग मेथड में मैं कैसे कर सकता हूं। शिफ्टिंग मेथड में मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है, लेकिन जब मैं शिफ्ट करूंगा तो मैं सबसे बड़े वाले नंबर को लाऊंगा स्टेप 1 में। सर सबसे बड़े वाले नंबर लाएंगे क्यों? ये तो गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा। सबसे बड़े वाला नंबर क्या था मेरा? 100। मैं 100 को सबसे स्टार्टिंग में ले आऊंगा और बाकी के नंबर को कॉपी पेस्ट कर दूंगा, 81, 49, 64, 25। ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट, उसके बाद ट्रिक आएगा। स्टार्टिंग में ट्रिक बता के कोई फायदा नहीं, थोड़ा पेशेंस रखिए। अब मैं बात कर रहा हूं स्टेप टू में क्या आएगा। अब देखिए यहां पे मैं अरेंज नहीं कर रहा हूं, यहां पे मैं शिफ्ट करते करते लूंगा। मतलब सर 100 को लेने के बाद मुझे ये बताइए कि नेक्स्ट जो सबसे बड़ा नंबर है वो कौन है इस सीक्वेंस में, 81, 49, 64, 25 में? सर 81 बड़ा है, 81 को स्टार्टिंग में ले आइए। 81 स्टार्टिंग में आते ही आपका 100 जो है वो अपना पोजिशन को थोड़ा शिफ्ट कर देगा, क्योंकि उसके जगह में कोई और आ चुका है, और 100 यहां आते ही 81 यहां जा चुका है, तो बाकी का ऑर्डर वैसे ही रहेगा 49, 64, 25। अब मैं अगर आपसे कहूं तो शिफ्टिंग मेथड क्या समझे आप, ये 100 जो है वो शिफ्ट हो गया इस पोजीशन पे, मतलब धीरे-धीरे करके उसको इस पोजीशन से डायगोनल लाते-लाते एक्सट्रीम एंड पे मुझे लेके आना है। दिस इज नोन एज शिफ्टिंग मेथड। तो अब मुझे क्या करना है, अगर मैं बात करूं स्टेप 3 की, तो 81 और 100 जाने के बाद नेक्स्ट बड़ा नंबर कौन है भैया? 64 है, तो 64 को सबसे पहले ले आइए, फिर 81 शिफ्ट हो जाएगा इधर और 100 शिफ्ट हो जाएगा इधर, फिर 100, 81 और 64 जाने के बाद 49 अपने जगह आ गया, यहां कॉपी पेस्ट, 25 अपना सीक्वेंस बरकरार रखे यहां। अब नेक्स्ट अगर स्टेप 4 की बात करूं, 64, 81 और 100 अरेंज करने के बाद या फिर शिफ्ट करने के बाद 49 और 25 में बड़ा कौन है? 49 है, तो 49 को हम आगे ले आएंगे, फिर अपना 64 यहां शिफ्ट हो जाएगा, 81 यहां शिफ्ट हो जाएगा, और सिमिलरली यहां पे आपका 100 शिफ्ट हो जाएगा, और लास्ट स्टेप में यहां पे ऑलरेडी 25 बैठा है। अब फिफ्थ स्टेप की अगर मैं बात करूं तो ये 25 जो है ये सबसे आगे चला आएगा, तो 25 आ गया, फिर आ गया आपका 49 शिफ्ट होकर, फिर आ गया आपका 64, फिर आ गया आपका 81, जगह नहीं है इसलिए यहां पे लिख दे, ठीक है 100, मतलब वही असेंडिंग ऑर्डर में आपका सीक्वेंस आ गया, 25, 49, 64, 81, 100, लेकिन यहां पे स्टेप्स कितने लगे? 5 स्टेप लगे। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जानने हैं कि अरेंजमेंट मेथड और शिफ्टिंग मेथड में डिफरेंस क्या है। अब डिफरेंस यह है, देखिए यहां पे एक एलिमेंट को अपने जगह बैठाने के बाद वो अपना जगह और कभी नहीं बदलता, वो मरते दम तक अपने ही जगह आएगा। 25 स्टेप 1 में आते ही स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 हमेशा पहले पोजिशन में आएगा, 49 हमेशा दूसरे पोजिशन पे आएगा, 64 हमेशा तीसरे पोजिशन पे आएगा ऐसा, लेकिन यहां पे कोई भी अपना पोजिशन पे फिक्स्ड नहीं रहेगा, यहां पे शिफ्ट करते 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 चलेंगे। क्लियर है? अरेंजमेंट मेथड में नंबर ऑफ स्टेप्स मुझे कम मिले, लेकिन शिफ्टिंग मेथड में मुझे नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा मिले। इसका रीजन क्या है? अरेंजमेंट मेथड में आपका ऑटो अरेंज होता है, लेकिन शिफ्टिंग मेथड में ऑटो अरेंज नहीं होता, ना के बराबर है। एक होगा कंडीशन, वो बाद में बताएंगे, लेकिन अभी के लिए बस याद रखिए कि शिफ्टिंग मेथड में ऑटो अरेंज नहीं होता है, या फिर अभी सीख लीजिए। कब पॉसिबल होगा ऑटो अरेंज? अगर स्टार्टिंग में ही मेरा 100 क्वेश्चन में गिवन होता, यहां पे 100 और यहां पे 81, तो मुझे पता है कि शिफ्टिंग मेथड में मुझे सबसे बड़े नंबर को पहले लाना था, लेकिन 100 अगर स्टार्टिंग में मौजूद है तो उसे मुझे और छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, तो मैं सीधा 81 को उसके पहले लाता, मतलब मेरा जो प्रोसेस है वो स्टेप 2 से स्टार्ट होता, तो एक स्टेप मेरा कम हो जाता ना। तो वो कब होता? अगर स्टार्टिंग में जो एलिमेंट है वही स्टेप 1 में चेंज होना चाहिए, तो ही आपका ऑटो अरेंज होगा। सुनने की जरूरत नहीं, दिमाग से निकाल दीजिए, बस इतना मैं जो बोल रहा हूं आंख बंद करके ट्रस्ट कीजिए। अरेंजमेंट मेथड में ऑटो अरेंज होता है, लेकिन शिफ्टिंग मेथड में ऑटो अरेंज नहीं होता, बस ट्रस्ट मी, ऑटो अरेंज नहीं होता।
इसीलिए शिफ्टिंग मेथड में ऑटो अरेंज ना होने के कारण शिफ्ट्स मेरे ज्यादा रहते हैं और यहाँ पे स्टेप्स मेरे कम रहते हैं। अब आगे सबको समझ गए इतना तक कॉन्सेप्ट क्या था। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक की। शॉर्ट ट्रिक जो लिखा गया है मुझे यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्टेप फोर पूछा गया है और राइट साइड में स्टेप टू पूछा गया है। और ये जो स्टेप वन स्टेप टू में लिख के आऊंगा वो बिना कोई स्टेप लिख के मैं डायरेक्ट स्टेप फोर लिखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इसका डायरेक्ट स्टेप टू लिख के आपको सिखा देता हूं कि कैसा होगा। आपके दिमाग में कुछ नहीं आना चाहिए, बस इतना आना चाहिए कि इस इनपुट को प्रॉपरली नंबरिंग करेंगे। शॉर्ट ट्रिक देखिए भैया, शॉर्ट ट्रिक के लिए मर रहे थे ना, अब शॉर्ट ट्रिक देखिए, इंक थोड़ा चेंज कर देते हैं, शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए फिर अच्छे से इंप्लीमेंट कीजिएगा। अब मुझे यह बताइए कि जब मैं इनको सजाता हूं तो मुझे कौन से ऑर्डर में चाहिए? मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे चाहिए। हां सर, मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे चाहिए। अब जब इंक्रीजिंग ऑर्डर पे चाहिए तो सबसे पहले स्टेप में सबसे पहला छोटा नंबर ही आया होगा, मतलब सबसे पहले स्टेप में यही एलिमेंट को हम अरेंज किए होंगे अपने जगह। सेकेंड स्टेप में हमने किसको अरेंज किया होगा? जो नेक्स्ट बड़ा नंबर है 49 को, तो उसी के ऊपर नंबर लिखते रहिए कि पहले स्टेप में 25 अरेंज होगा, सेकेंड स्टेप में 49, थर्ड स्टेप में उसका बड़ा नंबर कौन होता है भैया? 64 अरेंज होगा। सर फोर्थ स्टेप में 81 में बताऊंगा, फिफ्थ स्टेप में 100। भैया तीन ही तो स्टेप है, फोर्थ फिफ्थ कहां आ गए? अब देखिए ध्यान से मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर मैं आपसे बात करूं तो स्टेप वन में हम 25 को अरेंज किया, स्टेप टू में हमने 49 को अरेंज किया और स्टेप थ्री में हमने 64 को अरेंज करते ही उसके बाद जब हमने 81 और 100 को लिख दिया तो वो ऑटो अरेंज हो गए थे या फिर हो जाएंगे, क्योंकि 81 के बाद ही तो 100 आता है। मतलब 1, 2, 3 स्टेप्स में ही ये चीज ओवर हो जाएंगे, मतलब उसी 3 नंबर स्टेप में 81 भी अरेंज हो जाएगा, इसीलिए इसको हम लिख रहे हैं 3K स्टार, मतलब थर्ड स्टेप में ही हो जाएगा। चीजें अभी क्लियर नहीं होंगी, एक आध एग्जांपल है, थोड़ा पेशेंस प्लीज रखिए, आज हाथ जोड़ के बस इतना विनती करते हैं, थोड़ा पेशेंस बनाए रखें, इमीडिएट ये चीजें सीखने वाले नहीं, 10 मिनट तक तो इंतजार करते ही करते, ठीक है। अब जब उसी थर्ड स्टेप में बात करो तो 100 लास्ट में आ जाएगा, तो थर्ड स्टेप के में ही आपका 100 भी ऑटो अरेंज हो जाएगा। मतलब यहीं से मुझे पता चल गया कि नंबर ऑफ स्टेप कितने होने वाले? 3 होने वाले। अब मुझे कौन सा स्टेप चाहिए? सर मुझे स्टेप 2 चाहिए। अब स्टेप 2 तक आपके कौन कौन एलिमेंट अरेंज हुए होंगे? जिनके ऊपर 1 और 2 लगा है, तो 1 किसके ऊपर लगा है? 25 के ऊपर लगा है। 2 किसके ऊपर लगा है? 49 के ऊपर लगा है। तो 1 में आएगा 25, 2 में आएगा 49, मतलब सेकंड स्टेप में सिर्फ यही दो अरेंज होंगे और कोई अरेंज नहीं हुआ होगा। मतलब 1 और 2 जाने के बाद बाकी जो है 81, 64, 100 ये वही सीक्वेंस मेंटेन किए होंगे, क्योंकि यहां तक तो अरेंजमेंट स्टेप 2 तक हुआ ही नहीं होगा। तो 81, 64, 100। अब अगर आप स्टेप 2 को ध्यान से देखें, देखिए 25, 49, 81, 64, 100, 25, 49, 81, 64, 100, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, क्वेश्चन अब तक स्टार्ट नहीं हुए, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसी तरह हम अरेंजमेंट मेथड में कर सकते हैं। डाउट हुआ तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अरेंजमेंट के ऊपर है, थोड़ा पेशेंस रखिए। अब जब बात आती है शिफ्टिंग मेथड की, तो मैं आपको ध्यान रखने के लिए ये कहता हूं, शिफ्टिंग मेथड में आप सबसे पहले नंबरिंग किस हिसाब से कीजिएगा? आपके जो स्टेप्स होते हैं ना, स्टेप में सबसे पहले आपने किसको शिफ्ट किया? 100 को। उसके बाद आपने किसमें छेड़खानी की? 81। उसके बाद आपने किसमें छेड़खानी की? 64। मतलब आप जो छेड़ रहे हैं किसको छेड़ रहे हैं? किस ऑर्डर में? घटते क्रम में, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में छेड़ रहे हैं। तो सबसे बड़े नंबर को पहले छेड़ा जाएगा 1, उसके बाद उसके नेक्स्ट नंबर को 2, उसके बाद उसके नेक्स्ट नंबर 64 को 3, उसके बाद उसके नेक्स्ट नंबर को 4, उसके बाद उसके नेक्स्ट नंबर को 5, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम उनके चेंज कर रहे हैं। पहले 100 को चेंज, फिर 81 को चेंज, फिर 64, फिर 49, इसीलिए नंबरिंग उस हिसाब से कीजिए। लेकिन जब अरेंजमेंट की बात आती है, तो हम जब अरेंजमेंट कर रहे हैं तो किस हिसाब से आपका अरेंजमेंट आ रहा है? अरेंजमेंट जो आ रहा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे आ रहा है। फाइनल अरेंजमेंट जो आ रहा है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर पे आ रहा है, ध्यान रखिएगा, कुछ रटने वाली बात नहीं है। अरेंजमेंट अगर आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में आना चाहिए तो सबसे पहले छोटा नंबर आएगा। अब मुझे बताइए सबसे छोटा नंबर इस इनपुट में कौन है? 25 है। 25 के ऊपर नंबर क्या लिखा गया है? 5 लिखा गया है। अगर सबसे पहले 25 आएगा जिसका 5th नंबर है, तो उसके बाद कौन आएगा? 4, उसके बाद कौन आएगा? 3, उसके बाद कौन आएगा? 2, उसके बाद कौन आएगा? 1, मतलब ये जो नंबरिंग आपने किया है, जब फाइनल आउटपुट आप लिखेंगे उसको 5, 4, 3, 2, 1 करेंगे। क्लियर है? जो क्लियर नहीं होगा आगे क्लियर करेंगे, अभी तक बस सुनते रहिए, दिमाग पे शांत रख के अच्छे से सुनते रहिए बस, ठीक है। अब जब 5, 4, 3, 2, 1 है तो मुझे स्टेप कौन सा चाहिए? सर मुझे स्टेप 4 चाहिए। अगर मैं बात करूं स्टेप 4 में, स्टेप 4 में कौन से एलिमेंट तक स्टेप मतलब आपका अरेंज किया गया होगा? 1, 2 और 3
और फोर, सॉरी 1, 2, 3 और 4, यही चार एलिमेंट्स को अरेंज किया गया होगा या फिर शिफ्ट किया गया होगा। तो सबसे पहले कौन आएगा, 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, उसके बाद जो बचा हुआ होगा वही आएगा यानी कि 5 आएगा। तो मुझे बताइए फोर्थ पोजीशन में कौन है, फोर्थ पोजीशन में 49, तो डाल दीजिए 49। थर्ड पोजीशन में 64, डाल दीजिए 64। सेकंड पोजीशन में कौन है 81, डाल दीजिए 81। फर्स्ट पोजीशन में कौन है 100, डाल दीजिए 100। और लास्ट में बच गया कौन 25, तो डाल दीजिए 25। अगर यहां तक क्लियर हुआ तो अच्छी बात है, अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हुआ है, बस नंबरिंग कीजिए। तभी तक मैं थोड़ा कमेंट पढ़ लूं कि आप लोगों का हालचाल क्या चल रहा है, और मुझे पता है ये चीजें सीखने के लिए वक्त लगेगा और वो वक्त आप मुझे देंगे, ठीक है। अब तो सर वाला ही वर्ड चलेगा, मतलब लॉल, यस सर सम टिप्स पर आ रहा भी, वो तो देते रहेंगे, क्लियर है। अब पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। यहीं से थोड़ा आप लोग एक सेकंड इसको नजर घुमाइए, गॉट इट, रिपीट सर, रिपीट इसमें हो जाएगा, ठीक है। सुब्रत परिया बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हर हर क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, फिक्र मत कीजिए। इस क्वेश्चन में समझिए चीजों को, कंफ्यूजिंग चीजें हैं, दिमाग में मानते चलिए कि चीजें डिफिकल्ट है, चाहे कौशिक सर बताए या फिर कोई भी बताए, चीजें डिफिकल्ट ही है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं, आपने देखा इनपुट ये रहा, देखिए ध्यान से बात, आराम से देखिए, ये रहा इनपुट, हाँ सर ये रहा इनपुट, आपको सीधा आना है कहां पे, आउटपुट, आगे आउटपुट। जो लोग कुछ भी नहीं समझे अब तो समझिए, फिकर कमेंट बॉक्स पे बिल्कुल ये सब मत कीजिए, आराम से देखिए मैं जो पढ़ा रहा हूं, आज एक दिन मेरे बात पे फोकस कीजिए, फिर सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, जिंदगी सुधर जाएगा, ठीक है। इनपुट ये रहा, आउटपुट ये रहा। जब मैंने इनपुट पे गौर किया तो मुझे मिले वर्ड्स और नंबर्स, मतलब वीट 18, व्हेन, यस, मतलब वर्ड्स भी है और नंबर्स भी है। और जब मैंने आउटपुट देखा, ऑब्वियसली वही है, लेकिन आउटपुट में ये गजब तरीके से अल्टरनेट में है, मतलब वर्ड नंबर, वर्ड नंबर, वर्ड नंबर। अब चलिए बस, अब ये जो वर्ड नंबर का फॉर्मेशन है इसके पैटर्न क्या हो सकते हैं, देखिए बेड, उसके बाद कार, उसके बाद हैव, उसके बाद वीट, मतलब क्लियरली वर्ड्स को आपका असेंडिंग ऑर्डर में सजाया गया है, वर्ड्स को आपका असेंडिंग ऑर्डर में सजाया गया है, मतलब पहले अल्फाबेट डिक्शनरी के हिसाब से बी आता है, फिर सी आता है, फिर एच आता है, फिर डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू, मतलब इन दोनों में डिक्शनरी में कौन आएगा पहले, वीट आएगा पहले, क्योंकि WW तो कॉमन है, H पहले आता है उसके बाद I आता है, तो बिल्कुल सीक्वेंस है। तो वर्ड्स को डिक्शनरी ऑर्डर में सजाया गया है, और ये जो नंबर्स है ना, ये जो नंबर्स हैं इनको भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया गया है, देखिए 9, 18, 45, 63, 81। अब चलिए, मतलब वर्ड्स की बात करें या फिर नंबर्स की बात करें, सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाए गए हैं, क्लियर। अब जब मैं देख रहा हूं कि स्टेप्स पे कि प्रोसेस क्या फॉलो किया गया है, सबसे स्टेप वन में सिर्फ बेड को आगे लिया गया है, वीट देखिए वीट जगह 18, 18 के जगह विन, विन के जगह, मतलब बाकी सब कॉपी पेस्ट है, अप टू 81 तक सब कुछ कॉपी पेस्ट है, बस इस बेड को स्टार्टिंग में लेके चले आए। अरे बेड को ही क्यों लेके आए, बेड को इसीलिए लेके आए क्योंकि जितने भी वर्ड्स थे, बेड अल्फाबेट वाइज सबसे पहले आएगा बी, क्लियर है, जितने भी वर्ड्स है अल्फाबेट वाइज सबसे पहले आएगा बी, इसीलिए बेड को लेके आए, लेकिन सिर्फ एक ही एलिमेंट। नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो बेड अपने जगह रहा और लेके हम चले आए 9 को, जो 9 यहां पे था 09, उस 09 को हम लेके चले आए। 09 को लेके आने का मतलब क्या था, 09 को लेके आने का मतलब यह था कि यह सबसे छोटा नंबर है, मतलब सबसे पहले मुझे सबसे छोटे वर्ड को लेके आना था, फिर छोटा नंबर, फिर नेक्स्ट वाला वर्ड, फिर नेक्स्ट वाला नंबर, नेक्स्ट वाला वर्ड, नेक्स्ट वाला नंबर, नेक्स्ट वाला वर्ड, नेक्स्ट वाला नंबर, ऐसे करते 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 आना था, 7 स्टेप, वेरी गुड। जितने लोगों ने इतने फास्ट फॉरवर्ड रेट से आंसर किया, मतलब उनका नंबरिंग वाला ट्रिक गजब से काम कर रहा है, और बाकी जो लोग नहीं सीखे अब सीखे। तो अब मुझे एक स्टेप में एक ही एलिमेंट को प्रोसेस करना है। अब सबसे पहले मुझे किसको प्रोसेस करना है, वर्ड जो कि सबसे छोटा होगा। अब ये रहा मेरा इनपुट, इनमें से सबसे छोटा वर्ड मुझे क्लियरली दिख रहा है गेम, गेम छोटा वर्ड मतलब सर 4 लेटर का, 3 लेटर का, तो ये नहीं, ऐसा नहीं, जी अल्फाबेट वाइज सबसे छोटा है, कम है, मतलब ए बी सी, छोटा कौन है ए, बड़ा कौन है सी, इस हिसाब से जी सबसे छोटा है, तो ये सबसे पहला जो होगा, पहला एलिमेंट जो कि पहले स्टेप में ही सबसे लेफ्ट को आएगा। अब एक स्टेप में एक ही एलिमेंट आ गया, अब दूसरे स्टेप में कौन प्रोसेस होगा, सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन है भैया 9, तो ये सेकंड स्टेप में प्रोसेस होगा। मतलब मैं अगर बात करूं, ये लिखना नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए है। अगर इसका आप स्टेप 1 लिखते तो वो स्टेप 1 कैसा दिखता आपको, सबसे पहले आप गेम को ले आते,
गेम को ले आए, और उसके बाद आपका नाउ 54 प्लेयर्स ये पूरा का पूरा कंटिन्यू करेगा, नाउ 54 प्लेयर्स ऐसे कंटिन्यू करेगा। स्टेप टू की बात करें तो हमें किसको लाना है, सबसे छोटा नंबर यानी कि 9, मतलब गेम अपने जगह फिक्स्ड रहेगा क्योंकि अरेंजमेंट हम अपने पोजीशन पे कभी चेंज नहीं करते, शिफ्टिंग नहीं है, अरेंजमेंट है, तो गेम अपने जगह आ गया। नेक्स्ट कौन आ जाएगा, 09 आ जाएगा, और उसके बाद यह सिलसिला चलेगा नाउ 54 प्लेयर्स ऐसे करके, नाउ 54 प्लेयर्स ऐसे करके। अब नेक्स्ट कौन आना चाहिए, सर मैं बताऊंगा, जी के बाद यहां पे नेक्स्ट जो वर्ड होगा वो डेफिनेटली नाउ होगा, तो थर्ड स्टेप में सर नाउ आएगा, गलत हो गया, थर्ड स्टेप में नाउ नहीं आएगा, वो सेकंड स्टेप में ही ऑटो अरेंज हो चुका है। जो लोग नहीं समझे थे अब समझे सर कैसे, अगर मैं बात करूं स्टेप टू की तो सबसे पहले तो गेम आएगा, हां सर आएगा, उसके बाद 09 आएगा, हां सर 09 आएगा, उसके बाद तो यही चीज यहां से पूरा का पूरा सीक्वेंस कॉपी पेस्ट होगा, हां सर। अब नाउ 54 प्लेयर्स में नेक्स्ट तो नाउ ही आ रहा है, तो इसको स्टेप थ्री में क्यों लाएंगे भैया, ये स्टेप टू में अपने जगह में ऑलरेडी पहुंच चुका है, मतलब सेकंड स्टेप में ही नाउ ऑटो अरेंज हो चुका है, और अगर ये सेकंड स्टेप में ऑटो अरेंज हो चुका है तो इसको 2 स्टार देंगे। दिमाग खुला रखिए, दिमाग पूरा खुला रखिए, क्लियर है। अब नेक्स्ट मुझे नंबर ढूंढना है, अब 9 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन है, 18, ये थर्ड स्टेप में प्रोसेस होगा। फोर्थ स्टेप में कौन होगा, जो नेक्स्ट वर्ड है, तो ऐसे करते करते अगर नेक्स्ट वर्ड की बात करूं तो जी एन के बाद नेक्स्ट वर्ड या तो प्लेयर्स हो सकता है नहीं तो पब्लिक हो सकता है, लेकिन प्लेयर और पब्लिक में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कौन आएगा, प्लेयर आएगा, क्योंकि पीपी कॉमन है, एल जो है वो यू से पहले आता है, तो फोर्थ स्टेप में प्लेयर्स आएगा, चेंज होगा। फिफ्थ स्टेप में नंबर 9 और 18 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन है, 45, गया। नेक्स्ट वर्ड आपका कौन होगा, पब्लिक, ये होगा आपका सिक्स्थ स्टेप में। नेक्स्ट आपका नंबर क्या है, सर 54 है। अब अगर आप देखें नाउ ऑलरेडी सेकंड स्टेप में अरेंज हो चुका है, और अगर मैं बात करूं सिक्स्थ स्टेप में पब्लिक लिखने के बाद, मैं ध्यान दिमाग खुला रखिए, सिक्स्थ स्टेप में पब्लिक लिखने के बाद सीक्वेंस कहां से कंटिन्यू होता, जो जो चर्म आपके लिखे नहीं गए, मतलब 54 आता, फिर 81 आता, फिर ट्राई आता, तो 54 ऑटो अरेंज अपनी जगह में हो चुका है सिक्स्थ वाले स्टेप में, मतलब ये सिक्स्थ स्टेप में ही ऑटो अरेंज हो चुका है, क्लियर है। 54 सिक्स्थ स्टेप में ही ऑटो अरेंज हो चुका है, अगर सिक्स्थ स्टेप में ऑटो अरेंज 54 हो गया, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो वर्ड है वो कौन है, ट्राई, ट्राई मतलब वो सेवंथ स्टेप में होगा, और सेवंथ स्टेप में ट्राई आने के बाद, ट्राई लिखने के बाद ऑटोमेटिकली 81 तो उसके बाद रहेगा, तो उसके लिए और एट्थ स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, ये सेवंथ स्टेप में ही हो जाएगा, तो मेरा जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह दिखेगा, क्लियर है। अब अगर मुझे कोई पूछे कि स्टेप सर कितने लगे, अब देखिए सबसे बड़ा नंबर यहां पे आपको कौन दिख रहा है कि 7 दिख रहा है, 7 इज द मैक्सिमम स्टेप टू गेट द आउटपुट, तो क्लियरली आंसर यहां पे कितना आ जाएगा, 7th स्टेप में ही आ जाएगा 54 एंड 81 और ऑटो अरेंज। वेरी गुड अनुपम पात्र, थोड़ा बाकियों को भी हेल्प करते रहिए, सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे बिगिनर्स हैं जिनको बहुत ट्रबल फेस होगा, आप लोग अपना काम भी कीजिए, दोस्तों को थोड़ा समझाते रहिए कि 54 ऑटो कैसे होता है, क्या होता है, मैं और भी कॉन्सेप्ट्स लेके आऊंगा। अब बात है उस चीज को, उस सीक्वेंस जो हमने लिखा था ना 2, 6 स्टार, 4, 7 स्टार, इसको मैंने ऑलरेडी इस नंबर के ऊपर लिख रखा है, अब आपका काम है इसको बिना कुछ लिखे आंसर निकालना, आपका काम है। यस सर, वेरी गुड। मैक्सिमम टाइम ये आपके ऊपर, अभी के लिए तो आपको लिखने से कम टाइम लग जाएगा क्योंकि आप अभी बिगिनर से सीख रहे हैं, जब भी आप चीजों को सीखेंगे, किसी शॉर्ट ट्रिक को सीखेंगे, तब आपको नॉर्मल मेथड से ज्यादा टाइम लगता है, सीखने में हमेशा वक्त जाता है, और स्पेशली रीजनिंग में, वंस आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, पकड़ मजबूत हो जाएगा, उसके बाद आप आराम से कर सकते हैं। सर 31 दिसंबर RRBPO फर्स्ट रीजनिंग मैथ, आपका जो स्ट्रेंथ है वो कीजिएगा, ठीक है, आपका जो स्ट्रेंथ है वो ठीक है। ये स्टार नहीं लगाता था मैं, माइंड में ही करता था, वो गड़बड़ कर देता था, बिल्कुल, या फिर आप स्टार लगा सकते हैं, या फिर आप डैश लगा सकते हैं, या फिर 6A करके 6B कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार 6 स्टेप में दो दो एलिमेंट्स आपके ऑटो अरेंज हो जाएंगे, 6A 6B कर सकते हैं, 6-6" 6 स्टार। प्लेयर्स इन स्टेप 3, प्लेयर सबके आंसर आने लगे हैं, पूरा का पूरा स्टेप लिख रहे हैं क्या, बिल्कुल पूरा का पूरा स्टेप नहीं लिखना। अब मैं आपको समझाता हूं, बोल रहा है कि स्टेप 3 में What number or word will be at sixth position from left end? Step 3 में जो sixth element left से होगा वो कौन होगा, तो हमने भैया rough sheet में सिर्फ इतना लिखा है, हमने अपने rough sheet में सिर्फ इतना लिखा है, क्या इतने में मेरा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल। अब जब बात आती है step 3 की, ध्यान दीजिएगा मैं आराम से पढ़ा रहा हूं, जब बात आती है step 3 की, तो step 3 में कौन कौन से element process किए गए होंगे, first वाले मतलब 1 जिनके ऊपर होगा, 2 वाले जो 2 जिनके ऊपर होगा, और 3 वाले क्योंकि first step में first 1 लिखा गया है, सेकंड स्टेप में जो प्रोसेस होता है उनके ऊपर 2 लिखा गया है, थर्ड स्टेप में जो प्रोसेस होता है उनके ऊपर 3 लिखा गया है, तो स्टेप 3 में 3 वाले तक ही आपके प्रोसेस किए होंगे, मतलब गेम मतलब 1,
9 जो कि 2 है, और 2 स्टार भी सेकंड स्टेप में अरेंज हो चुका है, 2 स्टार और 3 यानी कि 18। यही चार आपके एलिमेंट्स हैं जो कि अरेंज किए गए होंगे, और तो कोई अरेंज नहीं किया गया होगा, मतलब 1 2 3 4 एलिमेंट्स यहां से लेफ्ट से आ चुके हैं। अब आपको सिक्स्थ चाहिए, मतलब फिफ्थ सिक्स्थ, मतलब जो दूसरा एलिमेंट अभी आपके सीक्वेंस में होगा वही आपका सिक्स्थ एलिमेंट होगा। अब चार एलिमेंट्स को सजाने के बाद आपका सीक्वेंस कैसा होता है भैया? जैसे लिखा जाता है वैसे, मतलब 54 प्लेयर्स, उसके बाद ट्राई, उसके बाद पब्लिक, उसके बाद 45, कॉपी पेस्ट करते हैं ना। तो मुझे बताइए 54 और प्लेयर्स, मतलब 54 आपका फिफ्थ एलिमेंट होगा और प्लेयर्स आपका सिक्स्थ एलिमेंट होगा, तो आंसर आपका क्लियरली कौन आ जाएगा? प्लेयर्स आ जाएगा। जितने लोगों का क्लियर हुआ एक बार थम्स अप, और जितने लोगों का क्लियर नहीं हुआ मैं इसको एक बार बस रिपीट करना चाहता हूं क्योंकि मुझे पता है दिक्कत कहां पे आएगी। अब देखिए कौन सा स्टेप पूछा सर? स्टेप 3 पूछा। स्टेप 3 तक कौन कौन एलिमेंट आपके अरेंज हो चुके होंगे जिनके ऊपर 1 2 और 3 लिखा गया होगा? ये रहा 1, ये रहा 2, और 2 स्टेप में दोनों है, मतलब 09 भी अरेंज हुआ है और 2 स्टार वाला ना हुई अरेंज हुआ है, और 3 यानी कि 18 भी अरेंज हुआ है, मतलब ये चार एलिमेंट लेफ्ट से अरेंज हो चुके हैं, 4 एलिमेंट्स मिल चुके हैं लेफ्ट से। आपको सिक्स्थ चाहिए, मतलब फिफ्थ सिक्स्थ और 2 एलिमेंट्स चाहिए। अब ये चार लिखने के बाद आपका सीक्वेंस तो ऐसे ही आना चाहिए ना, 54 प्लेयर्स, ट्राई, पब्लिक, 45। तो अब आपके हिसाब से फिफ्थ और सिक्स्थ एलिमेंट कौन होने चाहिए? फिफ्थ में आना चाहिए 54 और सिक्स्थ में आना चाहिए प्लेयर्स। तो थम्स अप कर दीजिए कि प्लेयर्स जिनको क्लियर है, सिक्स्थ एलिमेंट आपका प्लेयर्स होगा। अब यहां पे एक आपको घुमाने के लिए क्वेश्चन है इन स्टेप 3, थर्ड मतलब वही स्टेप 3 में, व्हिच नंबर और वर्ड विल बी एट फिफ्थ पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड। राइट से फिफ्थ पोजीशन में कौन है? भैया दिमाग का सदुपयोग अगर करेंगे तो चुटकी में आंसर वही प्लेयर्स ही आएगा। सर ऐसा कैसे? अगर मैं बात करूं यहां पे भी थर्ड स्टेप है, यहां पे भी थर्ड स्टेप है, यहां पे ऑर्डर रैंकिंग बस सिखाने के लिए आपको बोल रहा हूं। आपको अगर राइट से पूछे ना तो आप डरिएगा मत, आप इमीडिएटली उसी चीज को लेफ्ट से कन्वर्ट कर दीजिए। सर लेफ्ट से कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले तो मैं ये बताता हूं कि आपके पास फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट राइट एंड अगर है तो वो जो है सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड वही है। सर आपके मर्जी से, अब दिखाते हैं कैसे होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेरे 10 एलिमेंट है। सर 10 कहां से आए? अरे गिनिए नाउ, 54 प्लेयर्स, 81 18 ट्राई, 9 पब्लिक गेम, 45, 10 एलिमेंट्स है। 10 एलिमेंट में फिफ्थ फ्रॉम द राइट मतलब 1 2 3 4 5, ये है मेरा फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड, और वही लेफ्ट से कितना बन जाएगा? 1 2 3 4 5 6। तो वही एलिमेंट जो राइट से फिफ्थ है वो लेफ्ट से सिक्स्थ होगा। सर इसके पीछे का कुछ ट्रिक या कुछ लॉजिक आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। आप मुझसे बस इतना बताइए आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे? आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 थे। आपको बस 10 का नेक्स्ट नंबर मुझे बताना है। 10 का नेक्स्ट नंबर कितना होता है? सर 11 होता है। राइट से अगर आपको 5 दिया गया तो मुझे बस इतना बताइए 5 में कितना ऐड करने से 11 होता है? सर 6 ऐड करने से 11 होता है, मतलब जो राइट से फिफ्थ है वो लेफ्ट से सिक्स्थ होगा, जो लेफ्ट से सिक्स्थ है वो राइट से 5 होगा। जिन लोगों को समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो और एक बार देख लीजिए। अगर मैं बोलता कि राइट से थर्ड तो लेफ्ट से कितना होगा? देखिए राइट से अगर थर्ड एलिमेंट ये है तो वो लेफ्ट से कितना आएगा? सेवंथ, एइथ एलिमेंट आएगा। और वो 8 और 3 कैसे पता चलेगा? आपके पास टोटल एलिमेंट 10 थे, 10 में 1 मिलाने से आपको कितना चाहिए? 11। राइट से आपको कितना मिला है? 3 मिला है। 3 में कितना मिलाने से ये 11 आ जाएगा? 8। तो मुझे बस बता दीजिए कि 8th फ्रॉम द लेफ्ट एंड क्लियर है या नहीं। ये ऑर्डर रैंकिंग में आप पढ़े होंगे, अगर मैं लेफ्ट पोजीशन और राइट पोजीशन एक ही एलिमेंट का ऐड कर दूं तो वो टोटल नंबर ऑफ पर्सन से प्लस 1 हो जाता है। जितने लोगों का क्लियर है बस नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से कर दीजिए, और सेशन को अगर पसंद आया होगा अभी तक तो डेफिनेटली लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल कीजिएगा। हो गया, समझ गए सर, वेरी गुड। आज मैं आराम से पढ़ाऊंगा, थोड़ा आपको बस पेशेंस बनाए रखना है, फोकस बनाए रखना है, ठीक है। सर इसमें इफ कोई एक स्टेप का लॉजिक नहीं समझा तो पूरा इनपुट, हाँ अरे समझ में आ जाएगा वो स्टेप, वो बहुत इजी है, आप पूरा स्टेप पे आराम से लिख सकते हैं, लेकिन ट्रिक पे आज फोकस किया जा रहा है, ठीक है। यस क्लियर, चलिए कम से कम इसका नंबर ऑफ स्टेप बता दीजिए, नहीं तो 1-2 करके लिख तो दीजिए ताकि हमें पता चले। अब देखिए मैंने इनपुट देखा, इनपुट मुझे ये मिला, इनपुट में मेरे पास वर्ड भी है और मेरे पास नंबर भी है। ध्यान दीजिएगा, सीखने वाली बात आ चुकी है, नंबर और वर्ड को कैसे गेम करना है। मैंने अब आउटपुट देखा, स्टेप 6 मेरा लास्ट स्टेप है, आउटपुट है
अब इस आउटपुट में मैंने देखा कि सारे नंबर्स एक तरफ हो चुके हैं लेफ्ट में और सारे के सारे वर्ड्स एक तरफ हो चुके हैं राइट में। आपको बस आउटपुट से एक अंदाजा लग जाएगा सब कुछ कि इंक्रीजिंग में चला है या डिक्रीजिंग में चला है, क्या कुछ पैटर्न फॉलो किया गया वो आउटपुट से पता चलेगा। आउटपुट में मैंने देखा कि सारे नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है और सारे वर्ड्स को भी इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखा गया है। ये तो समझ ही गए होंगे। अब मैंने देखा कि स्टेप्स में क्या चेंजेस किया गया है। सबसे पहले तो मैंने देखा कि ये 95 कहां से आ चुका है। 95 ये था और स्टार्टिंग में 95 आ गया है। मतलब 95 ये क्यों आया? 95 इसलिए आया, मैंने देखा कि 95 सबसे बड़ा नंबर था, इसीलिए 95 को पहले ले आए। फिर अगर मैं बात करूं उसी स्टेप को, लेफ्ट के जगह लेफ्ट, 46 के जगह 46, बर्न के जगह बर्न, लेकिन लास्ट में तो 59 आना चाहिए, बोल्ड कहां से आ गया? मतलब एक ही स्टेप में दो दो एलिमेंट्स को प्रोसेस किया गया है। अब बोल्ड ही लास्ट में क्यों आया? क्योंकि बोल्ड जो है ना वो सबसे छोटा वाला वर्ड है। छोटा वाला वर्ड मतलब समझ रहे ना, मतलब डिक्शनरी में सबसे पहले आने वाला वर्ड या फिर जिसका स्टार्टिंग सबसे छोटा होगा बी से। अब ये मुझे अंदाजा दे दिया कि नंबर पहले 95 को लेके गए पहले, फिर उसके बाद 82, उसके बाद 72, उसके बाद 59। मतलब नंबर्स को मैं जब अरेंज कर रहा हूं, शिफ्ट कर रहा हूं, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। दिमाग पे फोकस कीजिएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे मैं नंबर को लेफ्ट की ओर लेके जा रहा हूं। और जब मैं बात कर रहा हूं अल्फाबेट्स की, तो बोल्ड, बोल्ड के बाद बर्न, बर्न के बाद बी बी एल, बी बी एल एम, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सजाया जा रहा है। तो नंबर को पहले डिसेंडिंग में लेफ्ट, अल्फाबेट्स को असेंडिंग में राइट। क्लियर है? तो पहले मैं नंबर का काम खत्म करता हूं। नंबर में मुझे डिसेंडिंग जाना है क्योंकि 95, 82, 72 घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ा नंबर 77 है, उसको मैं सबसे पहले लेफ्ट को लेके जाऊंगा। उसके बाद मेरा दूसरा नंबर कौन है? 67, उसको सेकंड में लेफ्ट को लेके जाऊंगा। उसके बाद जो छोटा नंबर है 42, उसको लेके जाऊंगा। उसके बाद 4L मतलब 39 को लेके जाऊंगा। उसके बाद 32 को लेके जाऊंगा। उसके बाद 29 को लेके जाऊंगा। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं अल्फाबेट, अल्फाबेट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। अल्फाबेट को इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटा यहां पे मुझे कौन दिखा? कौन? तो उसको राइट को लेके जाना है। ये आपके रेफरेंस के लिए, लिखेंगे तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन के बाद में किसको? एफ एफ, एफ में पहले फेम आएगा, उसके बाद फियर। ये तो आपको पता ही होगा, एफ एफ कॉमन होने के बाद ए आता है पहले, उसके बाद ई। तो सेकंड में फेम जाएगा, थर्ड में फियर जाएगा, फोर्थ में आपका कौन जाएगा? पेल जाएगा, PQRST W, ठीक है। फोर्थ में आपका पेल जाएगा, फिफ्थ में आपका PQRST मतलब टर्न जाएगा, और सिक्स्थ में आपका वेल्ड जाएगा। मतलब सीक्वेंस इस हिसाब से जाएगा। अब लास्ट चीज जो सीखना है, बहुत ध्यान से सीखिएगा, इसी चीज पे आप लोग गड़बड़ करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट यहां पे लिख रहा हूं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट, ये नंबरिंग करने के बाद, नंबरिंग हम किस हिसाब से किया? हमने स्टेप्स के हिसाब से देखा कि छेड़खानी नंबर्स में डिक्रीजिंग में चल रहा था और अल्फाबेट्स में इंक्रीजिंग में चल रहा था, तो हमने नंबर स्टेप्स के हिसाब से किया। लेकिन जो हमारा आउटपुट होगा वो किस हिसाब से होगा? फाइनल आउटपुट के हिसाब से। फाइनली मेरे जो आउटपुट में जो नंबर है, क्या वो इंक्रीजिंग में है या डिक्रीजिंग में है? क्लियरली इंक्रीजिंग में है, मतलब छोटे से बड़े तक है। क्लियर है? तो मुझे ढूंढना है सबसे छोटा नंबर मेरे इनपुट में कौन है। 29, 42, 39, 67, 32, 77 में सबसे छोटा नंबर कौन है? 29 है। 29 के ऊपर नंबर क्या लिखा गया? 6L लिखा गया है। मतलब ये सबसे पहले आएगा, मतलब ये सीक्वेंस जो है वो 6 से स्टार्ट होगा, और 6 से स्टार्ट होगा मतलब 6, 5, 4, 3, 2 करके ऐसे तक 1 तक जाएगा। क्लियर है? ये नंबर के लिए मैंने बताया, ध्यान से देखिएगा। अब मैं देख रहा हूं अल्फाबेट के लिए, तो ये क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, हमारा सीक्वेंस क्या होना चाहिए? 6 से 1 होना चाहिए लेफ्ट में। अब मैं बात करता हूं अल्फाबेट्स की। अल्फाबेट्स मेरे क्लियरली कौन से ऑर्डर में गए हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में गए हैं, बढ़ते ऑर्डर में गए हैं। तो सबसे छोटे से बड़ा, सबसे छोटा मेरे पास कौन है भैया? कोन है। और कोन के ऊपर नंबर क्या लिखा गया? 1 से। मतलब 1 से ही मेरा सीक्वेंस अल्फाबेट के लिए जाएगा, 1 से लेके 6 तक मेरे जाएंगे राइट की ओर मेरे। क्लियर है? मतलब नंबरिंग जो होगा, मैंने जो 6, 5, 1, 4, 3, 2 जो नंबर लिखे हैं ना, वो लेफ्ट से किस ओर से जाएंगे? 6 से लेके 1 तक आएंगे, और वर्ड्स जो है वो 1 से लेके 6 तक जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्लियर होगा, थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। अब सबसे पहले की अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, मैंने इस नंबरिंग को इसके ऊपर लिख दिया है, और मैं बस आपको यह दिखाना चाहता हूं कि हमारे नंबरिंग किस हिसाब से होते हैं। नंबरिंग जो होगा वो 6 से 1 तक आएगा, और वर्ड्स जो अरेंज होंगे वो कहां से कहां तक आएगा? 1 से 6 तक आएगा। मतलब जो लास्ट पेज में मैंने लिखा था उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया। अब बोल रहा है कि विच स्टेप नंबर इज द फॉलोइंग आउटपुट। आंसर कीजिए, अब आंसर कीजिए। टोटल 6 स्टेप, वेरी गुड। अच्छा,
पूरा फाइनल आउटपुट मत, फाइनल आउटपुट तो हमें 1 सेकंड से निकाल सकता हूं। आप लोगों को पता है कि नंबर आपके जो है वो क्लियरली इंक्रीजिंग में है, तो छोटे से बड़े क्लिक दीजिएगा, और ये नंबर आपके अल्फाबेट्स भी है छोटे से बड़े। फाइनल आउटपुट नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए देखिए, लास्ट स्टेप में कुछ 67 गजब गजब के क्वेश्चन है, ध्यान से सीखिए, आराम से कीजिए। ए, तो सबसे पहला मुझे दिया गया है कि कौन से स्टेप में ये आउटपुट मिलेगा, 77, 29, 42, ऐसे ऐसे करके ऐसे। तो सबसे पहले मुझे बताइए, सबसे पहला एलिमेंट मेरा कौन है, 77। अब ध्यान दीजिए, आपके नंबरिंग में 77 ये रहा, सबसे एक्सट्रीम एंड में कौन है, कोन, क्योंकि दो दो एलिमेंट शिफ्ट हो रहे ना, एक पहले एक लास्ट में, कोन का नंबरिंग कितना है, 1। मतलब क्लियरली 77 सबसे लेफ्ट में आया है और कोन सबसे राइट में आया है। और ये कौन से स्टेप में हुआ होगा, अरे फर्स्ट स्टेप में ही तो 77 1L लेफ्ट को गया होगा, और वही फर्स्ट स्टेप में ही तो कोन फर्स्ट R मतलब 1 राइट फर्स्ट राइट में गया होगा। मतलब क्लियरली पहले स्टेप में ही 77 सबसे आगे गया होगा और कोन सबसे पहले गया होगा। अब एक सेकंड, आपको जो लोग नहीं समझे उनको समझाने के लिए, तो सपोज मान लीजिए मैंने 77 को सबसे पहले लेफ्ट को ले लिया और कोन को सबसे पहले लास्ट में राइट को ले लिया, उसके बाद का सीक्वेंस तो नॉर्मल होना चाहिए, 29, 42 पेलफियर, क्या ये से हाजिर है, बिल्कुल 29, 42 पेलफियर, बस चेक कर देते हैं आपके लिए, 39, 67 फेम 32, 39, 67 फेम 32, वेल्ड और 77 तो लास्ट को चला गया, टर्न, वेल्ड और टर्न, मतलब क्लियरली पहला ही स्टेप में आपको यही आउटपुट मिला होगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट कंडीशन, फिफ्थ कहां से आ गया, ये तो पहला है, फिफ्थ मतलब अच्छा वो वाला आंसर बता रहे हो, अरे भैया आप लोग तो काफी आगे हैं मुझसे। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फेम, देखिएगा ध्यान से, ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फेम फ्रॉम द राइट ऑफ 67 इन द सेकंड लास्ट स्टेप। अब मुझे बताइए, कुछ देर पहले हमारा जो नंबरिंग हुआ है, नंबरिंग सबसे हाईएस्ट 6L और 6R है, मतलब 6th स्टेप में मेरे फाइनल आंसर आउटपुट आ जाएगा। अगर फाइनल आउटपुट मुझे 6th स्टेप में मिल रहा है, तो मुझे बोल रहा है कि सेकंड लास्ट स्टेप मतलब लास्ट का जस्ट प्रीवियस वाला, लास्ट का जस्ट प्रीवियस वाला मतलब 5th स्टेप की बात की जा रही है, और उस 5th स्टेप में बोला जा रहा है कि पोजीशन फेम का क्या है फ्रॉम द राइट ऑफ 67, मतलब 67 से कितने राइट पोजीशन में मेरा फेम बैठा होगा, बिना नंबरिंग की मतलब बिना पूरा स्टेप लिखे क्या आंसर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब मुझे बताइए कौन सा स्टेप आपको चाहिए, फिफ्थ स्टेप आपको चाहिए, फिफ्थ स्टेप मतलब आपके 5 एलिमेंट ही प्रोसेस किए हो गए होंगे लेफ्ट की ओर और 5 आपके राइट की ओर, मतलब 1 से लेके 5L तक लेफ्ट में चले गए होंगे और 1 से लेके 5R राइट को चले गए होंगे। तो मुझे बताइए कि अगर मैं सीक्वेंस में देखूं, तो अगर बात करते हैं कौन सा पोजीशन गया है, मुझे देखना है कि 67 कहां है और फेम कहां है, तो 67 को अगर मैं मार्कर थोड़ा चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, थोड़ा पेशेंस बनाए रखें, 67 को अगर मैं देखूं तो 67 ये रहा, ध्यान से देखिएगा, और फेम मेरा ये रहा। तो मुझे बताइए फिफ्थ स्टेप में मेरे जो लेफ्ट से कैसे अरेंज किए गए होंगे पांचों, 5 से लेके 1 तक अरेंज किए गए होंगे, और वर्ड्स जो है वो कैसे गए होंगे, 1 से लेके 5, यही तो समझाए थे उस वक्त, यही स्टेप समझाए थे कि नंबर 6 से लेके 1 तक होंगे और वर्ड्स जो है 1 से लेके 6, लेकिन स्टेप 5 है मतलब 6th एलिमेंट जो दोनों है वो बीच में ऐसे यहीं पर बैठे होंगे, और ये जो 5 से लेके 1 यहां तक गए होंगे नंबर्स, और 1 से लेके 5 यहां तक गए होंगे वर्ड्स। अगर इतना तक मेरे स्टेप्स अगर आपके पास क्लियर होंगे, तो मुझे बताइए 2L कहां पे बैठा होगा, भैया 5L, मैं आपको बस दिखा रहा हूं एक बार, 4L 3L ऐसे करके 2L यहां पे बैठा होगा, फिर मेरा 1L बैठा होगा, फिर मेरे 6th के दो एलिमेंट बैठे होंगे जो भी होंगे, और उसके बाद मेरा सिलसिला कैसे गया होगा, 1R गया होगा, 2R गया होगा, ऐसा करके गया होगा। तो मुझे 67 यानी कि 2L चाहिए और फेम यानी कि 2R चाहिए, तो ये रहा मेरा 2L और ये रहा मेरा 2R। तो मुझे बताइए 2L और 2R के बीच में कितने लोग हैं, 1, 2, 3, 4, अगर 4 लोग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूंगा सेकंड टू द राइट, तो मेरे राइट में एक प्लेस छोड़ के सेकंड में कोई बैठा होगा, मतलब सेकंड टू द राइट मतलब बीच में एक रहा होगा, फोर्थ टू द राइट मतलब बीच में 3 रहे होंगे, और अगर बीच में 4 हैं तो क्लियरली कौन टू द राइट होगा, 5th टू द राइट होगा। तो आंसर क्लियरली कितना होगा, 5th टू द राइट में मेरा आंसर बैठा होगा कि 67 जहां बैठा होगा उसके 5th टू द राइट में फेम बैठा होगा। इज इट क्लियर, कंडीशन क्लियर है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, इस कंडीशन पे डाल के देखिए क्या हो रहा है।
आराम से सीखिए, कुछ कमेंट करने की हड़बड़ी नहीं है, क्या आराम से पेशेंट से दिमाग के अंदर लेके चलिए, आराम से चलिए। जैसे कि इस क्वेश्चन को एक बार करके दिखाते हैं आपको, आराम से, कोई प्लीज कुछ अटेम्प्ट मत कीजिए, मैं जो बोल रहा हूं सुनिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ एलिमेंट टू द राइट ऑफ 29 इन स्टेप टू, कौन सा स्टेप है, कुछ मत लिखिए प्लीज, एक बार मेरे बात का भरोसा रखिए। स्टेप टू, स्टेप टू में कौन कौन एलिमेंट आपके प्रोसेस किए गए होंगे, दो एलिमेंट लेफ्ट की ओर, दो एलिमेंट राइट की ओर। लेफ्ट में क्या प्रोसेस किए जाते हैं, नंबर प्रोसेस किए जाते हैं, और राइट में क्या प्रोसेस किए जाते हैं, वर्ड प्रोसेस किए जाते हैं। ये आपके रफशीट में होगा। नंबर जो है वो किस क्रम में होते हैं, 6 से लेके 1 के ऑर्डर में होते हैं, और वर्ड जो होते हैं वो कौन से ऑर्डर में होते हैं, 1 से लेके 6, ये आपके रफशीट में ऑलरेडी रहा होगा। अब स्टेप टू में क्लियरली दो दो एलिमेंट ही आपके गए होंगे, मतलब LHS में, मतलब लेफ्ट से आपका 2L और 1L गया होगा, और एक्सट्रीम राइट में आपका 1A राइट और 2 राइट प्रोसेस किए गए होंगे। बाकी आपके कोई भी प्रोसेस अगर नहीं किए गए होंगे, मतलब वो सिस्टम जो भी आपका है वही सीक्वेंस में रहे होंगे। तो मुझे बोला गया है कि स्टेप टू में 29th के फिफ्थ एलिमेंट जो राइट में है वो कौन है, तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि 29 कौन है। ये रहा मेरा 29, आराम से देखिए। अब अगर मैं बात करूं तो प्रोसेस कौन कौन किए गए हैं, 1L 2L और 1R 2R, मतलब ये आपको बस सिखाने के लिए 1L 1R 2L 2R, दो लेफ्ट को और दो राइट को चले गए हैं। अब बाकी आपके बचे हैं ये सारे एलिमेंट। अब ये सारे एलिमेंट जो हैं ये एक के बाद एक, मतलब अब जब सीक्वेंस रहा होगा वहां पे 29 के बाद 42, उसके बाद पेल, उसके बाद फियर, उसके बाद 39, 32, वेल्ड, टर्न, इसी ऑर्डर में सजाया गया होगा। तो मुझे पूछा गया है कि 29th के फिफ्थ राइट में कौन बैठा होगा, तो 29 ये रहा। ये तो नहीं है, कौन तो नहीं आ सकता, क्योंकि कौन ऑलरेडी लास्ट में शिफ्ट हो चुका है, इसीलिए तो उनको उन्होंने काट दिया। तो उसका फर्स्ट राइट में 42, सेकंड राइट में पेल, थर्ड राइट में फियर, फोर्थ राइट में 39, और 67 और फेम लेफ्ट राइट कहीं ना कहीं अरेंज हो गए होंगे, और फिफ्थ राइट में कौन बैठा होगा, 32। या फिर आप ऐसे भी कह सकते थे कि फिफ्थ राइट अगर आपको चाहिए तो बीच में कितने एलिमेंट छोड़ने हैं, 4। ऑलरेडी कौन 67 फेम नहीं आ सकते, तो 4 एलिमेंट कौन कौन है, 42 पेल फियर, 39 छोड़ने के बाद 32 वुड बी योर आंसर। तो आंसर कितना होगा, 32 होगा। इज इट क्लियर? अब अगर मैं बात करूं तो पूरा का पूरा चीज में मिटा दे रहा हूं एक बार आपके लिए, ठीक है, 32 के क्लियर होने के बाद। अब देखिए, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन 77 एंड 12। मैं ऐसा नहीं कि इजी लेवल के क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं, पूरा जड़ से उखाड़ने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए एफर्ट को सराइए, आराम से देखिए कितने एलिमेंट्स होंगे मेरे 77 और 12 के बीच में। 77 और वेल्ड के बीच में कौन से स्टेप में, लास्ट स्टेप में। लास्ट स्टेप मतलब कौन सा स्टेप, सिक्स्थ स्टेप। सिक्स्थ स्टेप मतलब सारे के सारे मेरे अरेंज होके रहे होंगे। 6 नंबर किस हिसाब से, 6 से लेके 1 तक होंगे, और 6 वर्ड्स किस हिसाब से, 1 से लेके 6 तक होंगे। और ये कहां से आया, ये और एक बार समझाएंगे दूसरे क्वेश्चन में, पेशेंस रखिए, ठीक है। अब मुझे अगर मैं बात करूं तो ये सीक्वेंस कैसे रहेगा, 6L 5L 4L करके ऐसे करके 1L तक गया होगा, फिर 1R 2R 3R करके ऐसे 6R तक गया होगा। तो मुझे ये पूछा गया है कि 77 और वर्ल्ड के बीच में लास्ट स्टेप में कितने एलिमेंट्स हैं। 77 का अगर मैं पोजीशन देखूं तो उसका पोजीशन है 1L, और वर्ल्ड की अगर मैं पोजीशन देखूं तो वर्ल्ड का पोजीशन है 6R, मतलब 1L और 6R के बीच में कितने हैं। अब ये रहा मेरा 1L और ये रहा मेरा 6R, उनके बीच में कौन बैठेगा, 1R 2R 3R 4R 5R, मतलब 5 एलिमेंट ही तो बैठेंगे। तो क्लियरली 1 2 3 4 5, यही 5 एलिमेंट बैठेंगे। तो आंसर कितना हो गया, 5 एलिमेंट्स विल सिट। इज इट क्लियर? कंडीशन क्लियर है? तो अब आपका एक ही डाउट रहा होगा, मुझे पता है, कि ये 6-1 और 1-6 कैसे होता है, उसको मैं अगले क्वेश्चन में, ये आपके लिए होमवर्क, और एक क्वेश्चन का कितने करेंगे ये आपके लिए होमवर्क, अगर नहीं तो टाइम नहीं हुआ तो और बाद में बता देंगे, पहले चेंज करते हैं क्वेश्चन को ताकि आपको थोड़ा मोनोटोनस ना लगे। आराम से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पूरा खत्म करके ही जाएंगे। मोहम्मद शरीक जी, अभी के लिए यूनिट डिजिट और डिजिट सम को छोड़ दीजिए, काफी कंफ्यूजन है आप लोगों को इस रिलेटेड, तो उसको एग्जाम के लिए अभी SBI PO में मत डालिएगा, उसके लिए भयंकर प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। हम प्रैक्टिस किए थे इसीलिए हमने आपको बस बता दिया, उसको अभी इंप्लीमेंट प्लीज मत कर दीजिए, फंस जाएंगे, अच्छे चाहते हैं इसीलिए बताते हैं, ठीक है सर। ऑलिव बोर्ड पजल एंड DI बुक्स आर गुड और नॉट, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे हैं। उसका तो एक कुछ आता है, उसका नाम मैं भूल गया, बढ़िया सा बुक आता है, मतलब पजल्स का एक बढ़िया सा बुक आता है ऑलिव बोर्ड का, क्या है उसका नाम मैं भूल गया, लेकिन बहुत ही अच्छे लेवल के रहते हैं, ठीक है ठीक है। SBI PO वीडियो कोर्स, चलिए इस क्वेश्चन का बस नंबरिंग करके मुझे बता दीजिए, और एक क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चलिए
वेरी गुड दीपिका शर्मा, विशाल वैष्णव आंसर बताइए। अब मैंने इनपुट देखा, मेरा इनपुट गजब तरीके का था, सारे के सारे वर्ड्स मिले। मैंने आउटपुट देखा, आउटपुट में मुझे हाँ यू के बाद ओ के बाद आई के बाद ई के बाद है, हाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में लग रहा है। लेकिन अचानक ये क्या हो गया फिर, मतलब यहां पे वर्ल्ड संघ ये फिर कहां से आ चुका है, मुझे कुछ पता नहीं चला। मतलब क्लियर है यहां पे यहां तक कुछ चल रहा है और फिर यहां से यहां तक फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ चल रहा है। अब जब दोनों जगह मेरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं भैया, वर्ड्स के बीच में डिस्टिंग्विश किस बेसिस पे हो सकता है? हमेशा याद रखिएगा, वर्ड्स के ऊपर थोड़ा अगर मैं फोकस करूं तो फर्स्ट लेटर के ऊपर फोकस मैंने किया। जब मैंने फर्स्ट लेटर को देखा तो फर्स्ट लेटर मेरा यू था, ओ था, आई ई ए, मतलब क्लियरली ये सारे के सारे मेरे क्या है, वोवल्स है, और डब्ल्यू एस आर एम सी मेरे क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। मतलब क्लियरली मेरे वोवल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया गया है और कॉन्सोनेंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया गया है। तो मुझे आउटपुट में भी वही करना है, लेकिन प्रोसेस देखना है क्या है। प्रोसेस में मैंने देखा कि क्या हुआ है, सबसे पहले अंडू यानी कि यू से स्टार्ट किया गया वाले वर्ड को ले आया गया। अंडू को ही क्यों लाया गया, क्योंकि अंडू में यू जो है कंडीशन जो ना ये सबसे बड़ा भावल है इस जो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है। अंडू के बाद फिर ऑर्डर आया, मतलब यू के बाद ओ आया, यू ओ के बाद फिर आई आया, फिर यू ओ ए आई के बाद ई, मतलब वोवल्स जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम प्रोसेस कर रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। अब जब कंसोनेंट्स की बात किया जा रहा है तो सबसे लास्ट में हमने कैच को ले आया, फिर कैच अपने जगह रहा, कैच से पहले हमने मैन को ले आया, फिर कैच अपने जगह रहा, मैन अपने जगह रहा, उसके पहले हमने रियल को ले आया। मतलब क्लियरली आपके जो वोवल्स हैं उनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर पे सजा रहे हैं। तो अब मैं अगर इसको लिखूंगा तो देखिएगा, मुझे फाइनल आउटपुट से नहीं मतलब, मुझे किससे मतलब है, जब मैं नंबरिंग करता हूं, जब मैं नंबरिंग करता हूं तो मैं किस बेसिस पे नंबरिंग करता हूं, प्रोसेस के बेसिस पे नंबरिंग करता हूं। लेकिन जब मैं आउटपुट निकालता हूं वो किस बेसिस पे, आउटपुट के बेसिस पे। जिन लोगों का क्लियर नहीं है अब देखिए बढ़िया से क्लियर होगा। तो मैंने प्रोसेस देखा नंबरिंग करने के लिए, मुझे प्रोसेस देखना है तो मैंने प्रोसेस देखा कि सारे के सारे वोवल्स को पहले यू फिर ओ वाले को फिर आई वाले को, मतलब वोवल्स को मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर पे नंबरिंग करना है। तो वोवल्स वाले वर्ड को मैंने पहले अंडरलाइन कर दिया, ये सारे के सारे मेरे वोवल्स वाले वर्ड है, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर पे अभी मुझे नंबरिंग करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा कौन आएगा, लेफ्ट में 5L अप टू यू है, फिर आपका कौन आएगा, अनटू, मतलब ये होगा आपका, सॉरी फर्स्ट है ना, माफ कर दीजिएगा, पहले ये आएगा सबसे बड़ा, फिर नेक्स्ट कौन आएगा, ऑन टू क्योंकि उससे छोटा है, फिर यू और ओ जाने के बाद नेक्स्ट आई से कौन स्टार्ट होता है, इनटू, फिर आई जाने के बाद नेक्स्ट ई से जो स्टार्ट होगा, इरेस, फिर नेक्स्ट कौन होगा, एंगर। मतलब नंबरिंग किस बेसिस पे हमने किया, प्रोसेस के बेसिस पे किया कि किस एलिमेंट को हम प्रोसेस कर रहे हैं। हम जब प्रोसेस कर रहे हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे प्रोसेस कर रहे हैं। अब जब हम कॉन्सोनेंट्स को भी प्रोसेस कर रहे हैं, वहां पे कैच को पहले लिखा जा रहा है, फिर कैच के बाद मैन, फिर कैच मैन रियल, मतलब सी सी एम सी एम आर सी एम आर एस डब्ल्यू, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर पे प्रोसेस किया जा रहा है। तो नंबरिंग भी इंक्रीजिंग पे किया जाएगा। तो नंबर इंक्रीजिंग में मैंने किया तो सबसे छोटा वाला मुझे कॉन्सोनेंट कौन मिला, बेस्ट, बेस्ट को मैंने राइट को ले लिया तो 1R, फिर डेंजर 2R, फिर डेंजर के बाद मेरा आया हॉर्न 3R, फिर मेरा आया मून 4R, फिर मेरा सिंपल आया 5R। तो नंबरिंग मैंने कर दिया, वेरी गुड। फोर स्टेप कहां आ गया, मेरे तो 5-5 दिखने लगे हैं, गड़बड़ कर दिया आप, ठीक है, चलिए चलिए वेरी गुड। तो यहां तक मैंने कंडीशन पूरा, हाँ पजल मानिया, पजल मानिया, वेरी गुड वेरी गुड, भावना भगवत, वेरी गुड, पजल मानिया बुक है, ठीक है, याद नहीं आ रहा था। तो ये मैंने नंबरिंग कर दिया। अब मुझे जो आउटपुट चाहिए वो किस हिसाब से चाहिए, आउटपुट हमेशा आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है, दिमाग में रखिएगा। आउटपुट जब मैंने देखा तो यू ओ आई ई ए, मतलब आउटपुट मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से लेके छोटे भावल तक आना है। तो सबसे बड़ा भावल मुझे कहां मिला था, अप टू में मिला था। अप टू का नंबर कितना है, देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, अप टू का नंबर कितना है, 1 है। मतलब लेफ्ट से जब मैं भावल्स को अरेंज कर रहा हूं और मुझे अप टू चाहिए पहले, जिसका नंबर अगर 1 है तो ये भावल्स 1 से स्टार्ट होगा, और 1 से स्टार्ट होगा मतलब 5 तक जाएगा। अब मुझे कॉन्सोनेंट्स को राइट में अरेंज करना है। कॉन्सोनेंट को मुझे किस हिसाब से अरेंज करना है, डब्ल्यू एस आर एम सी, ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यू एस आर एम सी मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे बड़े को पहले, उसके बाद उसके छोटे, मतलब बड़े से छोटे। अब सबसे बड़ा वाला जो मेरे पास आपका कॉन्सोनेंट है, सबसे बड़ा वाला कॉन्सोनेंट मेरे पास कौन है, सिंपल है, देखिए ध्यान से, सिंपल है। और सिंपल के साथ कौन सा नंबर एसोसिएट है, 5 नंबर एसोसिएट है। तो अगर सिंपल से स्टार्ट होगा मतलब 5 से स्टार्ट होगा, और अगर 5 से स्टार्ट होगा तो जाए
जाएगा कहां से, 1 तक जाएगा। तो 1 से 5, 5 से 1, ये नंबर जो है ना, नंबरिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटपुट का नंबरिंग बहुत चेंज होगा, यही पैटर्न्स आपके चेंज कर देते हैं। अगर इतना तक आपका क्लियर है तो बिना स्टेप्स लिखे अब मेरा काम है आंसर तक पहुंचना। मैंने उनके ऊपर नंबरिंग कर दिया, एक बार देख लीजिए, 3 पूरा नंबरिंग कर दिया है। अब मुझे बताइए व्हाट वुड बी द फाइनल अरेंजमेंट, फाइनल अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, ध्यान देख के बताइएगा फाइनल अरेंजमेंट, ऑप्शन नंबर बताइएगा, ठीक है। और यहां पे मैं बस इतना मेंशन कर देता हूं कि जो भावेल्स को मुझे सजाना है वो किस हिसाब से सजाना है, 1 से लेके 5 तक, इसका रूल हमने समझाया अभी। फिर मुझे कॉन्सोनेंट को जो समझाना बैठाना है, अरेंज करना है, वो 1 से लेके 5 तक अरेंज करना है, ठीक है, 1 से लेके 5 तक, वेरी गुड। चलिए अब मैं अगर बात करूं तो फाइनल स्टेप मुझे अरेंजमेंट का कौन मिलेगा, अरे भैया मुझे भावेल 1 से लेके 5, तो 1L 2L 3L 4L 5L ऐसा करके जाएगा ना, 1L 2L 3L 4L 5L, तो 1L मतलब अप टू, या फिर मैं देख सकता हूं यहां पे क्लियरली मुझे 1, 2, 3 का कोई रोल नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि मुझे ये पता है कि अल्फा भावेल सारे के सारे मेरे डिक्रीजिंग में थे लास्ट में, और वर्ड्स भी जो कॉन्सोनेंट्स भी थे वो भी डिक्रीजिंग में। तो चलिए डिक्रीजिंग में देखते हैं, देखिए पहला वाला इंक्रीजिंग में चल रहा नहीं होगा, दूसरा वाला डिक्रीजिंग में चल रहा है, तीसरा वाला, ये सबके सब डिक्रीजिंग में चल रहे हैं अब तक। फिर मेरा जो ये है मतलब कॉन्सोनेंट है, ये बेस्ट से स्टार्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो डिक्रीजिंग में चलेगा तो सिंपल से स्टार्ट होगा, तो सिंपल सिंपल सही है, सिंपल के बाद एम आएगा मून, उसके बाद ये दे दिया है डेंजर, तो डेंजर गलत है, क्यों, क्योंकि एस के बाद एम आएगा, उसके बाद एच आएगा, उसके बाद डी आएगा, उसके बाद बी आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इस वाले क्वेश्चन में कुछ करके दिखाएं तभी मजा आएगा कि हाँ कुछ समझ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। फाइनल स्टेप तो कोई भी लिख सकता है, फाइनल स्टेप आपको पता ही चल गया होगा, कुछ लिखने में कोई आरआरबी में क्वेश्चन जल्दी कैसे सॉल्व करें, बिल्कुल आप प्लीज, इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट, आप अगर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देंगे तो मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूं, मैं आपके भी बढ़िया से रिप्लाई दूंगा। अभी सेशन थोड़ा मैं बस इसी के ऊपर फोकस कर रहा हूं, थोड़ा नजर हटा तो दुर्घटना घट जाएगा, माफ कर दीजिएगा मिनिएचर गेमर, बस थोड़ा इस सेशन पे फोकस बनाए रखें, माफ कर दीजिएगा, ठीक है। अब मुझे बोला गया है इन स्टेप 3, ध्यान दीजिएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड बी एट 6th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, मुझे कौन सा स्टेप चाहिए, ध्यान दीजिएगा, कुछ हम लिखेंगे नहीं, मुझे स्टेप 3 चाहिए। अब स्टेप 3 में मुझे ये पता है, मेरे रफ शीट में ये आ चुका है कि भावेल्स को मैं जो अरेंज कर रहा हूं वो 1 से लेके 5 तक अरेंज कर रहा हूं, और कॉन्सोनेंट्स को मैं जो अरेंज कर रहा हूं वो 5 से लेके 1 तक अरेंज कर रहा हूं, ये तो आपको पता होगा। स्टेप 3 में कौन कौन कितने एलिमेंट आपके प्रोसेस किए गए होंगे, 3 एलिमेंट प्रोसेस किए होंगे, 3 लेफ्ट की ओर, 3 राइट की ओर, क्लियर है, 3 लेफ्ट की ओर और 3 राइट की ओर। अब मुझे पूछा गया है अगर 3 लेफ्ट की ओर और 3 राइट की ओर प्रोसेस किए गए होंगे, मतलब 1L 2L और 3L जो है, 1L 2L और 3L जो है वो लेफ्ट की ओर चले गए होंगे, सीक्वेंस मुझे मैटर नहीं करता, और 1R 2R और 3R जिनके ऊपर है वो राइट की ओर चले गए होंगे। ये जाने के बाद अब इनके बीच में सीक्वेंस सिंपल, उसके बाद एंगर, उसके बाद मून, उसके बाद इरेज, ऐसा ही सीक्वेंस में आएगा। मुझे कौन सा एलिमेंट चाहिए, मुझे 6th एलिमेंट चाहिए। 6th एलिमेंट के लिए मुझे बताइए 1 2 3 L तो लेफ्ट की ओर चले गए होंगे, मतलब 1L 2L 3L जाने के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, जो नॉर्मल सीक्वेंस में आना चाहिए। तो नॉर्मल सीक्वेंस में अभी देखिए कि 3R 1R 2R को मैंने क्यों हटा दिया, उनको हम राइट की ओर ले लेंगे। तो नॉर्मल सीक्वेंस के हिसाब से अभी कौन आना चाहिए, सिंपल, एंगर, मून और इरेस। 3 एलिमेंट आपको 1L 2L 3L मिल चुके हैं, तो 6th एलिमेंट के लिए अभी 4th 5th 6th मतलब अभी से जो तीसरा एलिमेंट मुझे मिलेगा वही 6th एलिमेंट कहलाएगा। तो अभी से तीसरा एलिमेंट कौन है, सिंपल पहला एलिमेंट है, एंगर दूसरा एलिमेंट है और मून तीसरा एलिमेंट है। तो क्लियरली मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मून हो जाएगा। इज इट क्लियर, गलत है सिंपल डिंपल, गलत है, मून आपका आंसर हो जाएगा। बड़े प्यार से देखिए, मैं और एक बार इसको समझा रहा हूं, कंफ्यूजन अगर है बड़े प्यार से देखिए। सबसे पहले कौन सा स्टेप है सर, स्टेप 3, हाँ सर, स्टेप 3 की अगर मैं बात करूं तो स्टेप 3 में कितने आपके नंबर्स या एलिमेंट्स प्रोसेस किए हुए होंगे, लेफ्ट से 1L 2L 3L होंगे और राइट में 3R 2R और 1R गया होगा। ये बस आपके दिखाने के लिए विजुअलाइज कर रहे हैं। और ये डिक्रीजिंग क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये जो सीक्वेंस है 1 से 5 था क्या, सॉरी 1 से 5 और 5 से 1 था, ठीक है, सही है, यहां पे हमने गलत लिख दिया, 1 से 5 और 5 से 1 है। तो 1 से 5 मतलब बढ़ते क्रम में, 5 से 1 यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन मुझे ये मैटर नहीं करता। 3 एलिमेंट जाने के बाद टोटल अगर मेरे पास 10 एलिमेंट है तो 4th 5th 6th 7 अगर यहीं पे 4 एलिमेंट बीच में बैठे होंगे तो मुझे चाहिए कि 6th एलिमेंट जो कि 1 2 3 4 5 6 मुझे यही एलिमेंट कौन है उसको देखना है। विजुअलाइज मैंने कर दिया, आपके दिमाग में ठुसा दिया चीज को, मुझे क्या चाहिए, कौन सा एलिमेंट चाहिए, बिल्कुल ठुसा दिए। तो सबसे पहले 1L 2L और 3L
पहले के तीन एलिमेंट होंगे, 1R, 2R और 3R, ये लास्ट को जा चुके हैं। बचे मेरे पास ये 5R, 5L, 4R, 4L, इसी सीक्वेंस में आएंगे, मतलब सिंपल एंगर, मून और इरेस। तो तीसरा एलिमेंट कौन होगा? पहला एलिमेंट यहां पे जो आएगा वो होगा सिंपल, दूसरा एलिमेंट जो होगा वो होगा एंगर, क्योंकि सीक्वेंस देखिए ना सिंपल एंगर, और तीसरा जो एलिमेंट होगा वो होगा मून। मतलब सिक्स्थ एलिमेंट क्लियरली आपका क्या हो जाएगा? मून हो जाएगा। इज इट क्लियर? कंडीशन पूरे अच्छे तरीके से क्लियर है? थ्री भावल्स आर इन सिंपल एंगर मून, वेरी गुड। चलिए, विच स्टेप नंबर वुड बी द फॉलोइंग आउटपुट? अप टू, ऑन टू, हॉर्न, सिंपल, ये कौन से स्टेप का आउटपुट है? तो मुझे पता है जो मेरा फाइनल आउटपुट होगा उसमें ये वाउल्स जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे और ये कंसोनेंट्स जो है वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे। हाँ सर, बिल्कुल सही है। तो यहां मैंने देखा कि अप टू है और ऑन टू है, ध्यान दीजिएगा, किसी का आंसर नहीं आया, सेकंड स्टेप कुछ लोग बोल रहे हैं। चलिए, अप टू है और ऑन टू है, और अगर मैं बात करूं तो यहां पर कंडीशन, एक सेकेंड, एन टू है सेकंड स्टेप, बहुत लोग सेकंड स्टेप, आप लोग कुछ आंसर नहीं कर रहे, बहुत ही कम लोग आंसर कर रहे हैं। ऑटो करेक्ट, ऑटो करेक्ट, अरे अच्छा, ऑटो अरेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत लोग गलत बोल रहे हैं शायद, वेरी गुड विशाल वैष्णव, सीख चुके हैं, खुशियां मनाइए, घर में मिठाई खाइए, सही में सीख चुके हैं जो सीखना है आपको। अब देखिए, जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर टू को, ए को पिक किया है, सही है क्या वही वाला? अब देखते हैं, अब अगर मैं बात करूं तो अप टू सबसे पहले में आ चुका है, क्लियर है, और सबसे पहला मेरा डेंजर को जा चुका है। देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मेरा कौन आएगा? मेरा सीक्वेंस किस हिसाब से आता है भैया? मेरा सीक्वेंस आता है 1 से 5 आता है, फिर मेरा सीक्वेंस 5 से 1 आएगा, तो मतलब एक्सट्रीम यहां पे कौन आएगा? 1L आएगा, और फिर 2L आएगा, ऐसे करके जाएंगे, और एक्सट्रीम राइट में कैसे आएगा? 1R आएगा, 2R, ऐसे करके जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, सेकेंड स्टेप मिसिंग, बेस्ट, नन ऑफ दिस, वेरी गुड। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि अगर पहला स्टेप में मेरा सबसे बड़ा वाला भावेल अप टू पहले में आया है, तो सबसे छोटा वाला डेंजर भी लास्ट में गया है, मानते हैं। लेकिन अगर आप लोग बात कर रहे हैं सेकंड स्टेप की, कि अगर सर यहां पे तो अप टू के बाद ऑन टू भी अरेंज हो चुका है, जो डिक्शनरी में यू के बाद ओ आता है, लेकिन ऑन टू यहां पे आने से यहां पे कोई एक कंसोनेंट वाला वर्ड आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, कोई एक कॉन्सोनेंट वाला वर्ड आना चाहिए, लेकिन कॉन्सोनेंट वाला वर्ड आया ही नहीं, यहां पे कुछ इंटू वगैरह दे दिया गया है, और इंटू अगर मैं ध्यान दूंगा तो कंडीशन इंटू यहां पे कुछ है, ऑन टू यहां पे कुछ है, यहां पे कुछ मिसिंग है, मतलब कॉन्सोनेंट का यहां पे एच है, कॉन्सोनेंट का एस है, कॉन्सोनेंट का एम है, कॉन्सोनेंट का डी, कॉन्सोनेंट का कोई एक नहीं है, ढूंढिए ना, कॉन्सोनेंट का कोई नहीं है, एस है, ये है, बी, मतलब क्लियरली यहां पे बेस्ट अवेलेबल नहीं है, तो धोखा मत खाइएगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को रखा गया था, धोखा मत खाइएगा, अगर बेस्ट नहीं है तो ये कोई भी डिजायर्ड आउटपुट मेरा नहीं है, तो क्लियरली आंसर आपका क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। ये गलत है बात है। क्यों गलत बात है भैया? हम थोड़ा तो खेलेंगे, दिमाग को शार्प कीजिए, सोचने पे मजबूर कर दीजिए। अब ये क्वेश्चन को सबसे पहले रख देते तो बहुत ही अच्छा होता। पूछ रहा है क्या, Which of the following would be step 7? सर सातवां स्टेप क्या होता? आप लोग यहां पे निकाले, सर 1L, 2L, 3L, 4L, 5L निकल गया, 1R, 2R, 3L, 4L, 5R, 5R निकल गया, मतलब पांच स्टेप में तो मेरे आंसर आने चाहिए, ये सेवेंथ स्टेप मुझे क्या पूछ रहा है? अगेन गुमराह करने के लिए मैंने सब कुछ रख दिया है कि कहां कहां वो गुमराह कर सकता है, कहां कहां आप लोग फंस सकते हैं और बचना है आपको, तो सेवेंथ स्टेप आपका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उससे पहले ही अरेंजमेंट फिफ्थ स्टेप में खत्म हो जाएगा, तो देयर विल बी नो सच स्टेप्स एज द इनपुट गेट्स रीअरेंज्ड बिफोर स्टेप 7। तो यहां एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में सबसे पहला वाला बीट आपका रहेगा, जो कि आपको दो बार सोचने पे मजबूर कर देगा, क्या वाकई में सेवन स्टेप आ रहा है या पांच स्टेप में हो रहा है, गड़बड़ कुछ हो रहा है क्या मेरा, और आप क्रॉस चेक करने में जाएंगे, लेकिन खुद पे भरोसा रखेंगे तभी जाके टाइम सेव करके इसी क्वेश्चन को एक बार में अटेम्प्ट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। दीपिका शर्मा, हैट्स ऑफ, ऑप्शन ई। अभिषेक ठाकुर, वेरी गुड, वेलकम। चलिए, अब आपके सामने आ चुका है कुछ नेक्स्ट लेवल का, ठीक है, कुछ नेक्स्ट लेवल का, ध्यान दीजिए, आराम से इनपुट को देखिए, ये रहा आपका इनपुट, ये रहे आपके सारे के सारे स्टेप्स, ये रहा आपका सिक्स लास्ट स्टेप, मतलब ये रहा आपका आउटपुट, और उस हिसाब से इस इनपुट को नंबरिंग कीजिए, 1L, 2L, 3L करके नंबरिंग। सर नंबरिंग नहीं कर सकते, यहां पे कुछ प्रॉब्लम होगा? कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, भरोसा रखिए ना, सिखाने आए हैं, सिखा के जाएंगे, और लास्ट में SBI PO का वो जो मेमोरी बेस्ड वाला क्वेश्चन भी करवा के जाएंगे, 10-15 मिनट और अगर मेरे साथ रह जाएंगे ना, तो इनपुट आउटपुट, अभी तक अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो एक मोमेंट काफी होता है, हमेशा याद रखिएगा, पढ़ाई में एक मोमेंट काफी होता है, क्लिक कर गया मतलब
मतलब क्लिक कर गया, चाहे जितना पढ़े नहीं हो रहा है वो अलग बात है, क्लिक कर गया मतलब क्लिक कर गया। यस, ये होता है जब भी क्वेश्चन में नन ऑफ दिस आता है लगता है किधर गलत है। वेरी गुड, नन ऑफ दिस तो सबसे ज्यादा आप लोगों को परेशान कर रखा है डिजिट सम में। भैया ऑप्शन में सर सेम डिजिट सम होगा तो क्या होगा, नन ऑफ दिस होगा तो क्या होगा, कमेंट देके हम फंस चुके हैं पूरा डिक्रीजिंग ऑर्डर। चलिए अविक चक्रवर्ती, आई एम हियर सर, वेलकम अविक चक्रवर्ती, आंसर बताइए आज। चलिए वर्ड्स और नंबर्स दोनों। अब देखिए जो लोग कुछ भी नहीं समझे अभी तक, जीरो नॉलेज है, अब जीरो से हीरो एक सेकंड में बनिए, मैं पक्का वादा करता हूं। बस ये क्वेश्चन मेरे साथ करके जाइए और जिंदगी में कुछ इनपुट आउटपुट आपको डराएंगे नहीं। आराम से देखिएगा, फोकस बनाए रखिए, स्टे काम स्टे फोकस्ड। इनपुट देखा, देखा नंबर है, वर्ड है, नंबर वर्ड, नंबर वर्ड, हाँ सर। आउटपुट देखा, हाँ सर, नंबर है, वर्ड है, बट नंबर अलग हो चुके हैं, वर्ड अलग हो चुके हैं। अलग करने के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल स्टेप्स प्रोसेस फॉलो किया गया होगा। हाँ सर बिल्कुल किया गया होगा। एन एम एच जी ई सी, समझ रहे हैं ना जो लोग अभी तक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। तो एन एम अचानक से आ गया, वो समझ रहे हो वाला दिमाग में, ठीक है। एन एम एच जी ई सी मतलब क्लियरली वर्ड्स जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, वर्ड्स जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये आउटपुट की बात करें, फोकस बनाए रखें। 729 है क्या कहीं पे इनपुट में, बिल्कुल नहीं है। 625 कहीं है क्या, नहीं है। 484, 324, 289, 169 दे आर नॉट प्रेजेंट इन द इनपुट, मतलब ये कहीं ना कहीं से प्रकट हुए हैं। कहां से प्रकट हुए हैं, 729 इज द स्क्वायर ऑफ 27, 625 इज द स्क्वायर ऑफ 25, 484 is the square of 22, 324 is the square of 18, 289 is the square of 17, 169 is the square of 13. मतलब इनके सारे के सारे स्क्वायर रूट प्रेजेंट है, क्लियर है हर्ष बेनी वाला। चलिए आप लोगों को यही चाहिए नहीं। अब नंबर जो है 729 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, 729 का मुझे मतलब पता है कि 27 का स्क्वायर बनके 729 हुआ है, 25 का स्क्वायर बनके 625 हुआ है, लेकिन ये 27, 25, 22, 18, 17, 13 ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये आउटपुट की बात किया जा रहा है, क्लियर है। अब मुझे देखना है कि स्टेप्स में मुझे क्या क्या किया गया है चेंजेस। स्टेप्स में सबसे पहले स्टेप में कॉपी को लेके आगे आगे और 729 को लेके चले गए पीछे। अब कॉपी कहां से आया, कॉपी ये रहा, और उसको स्टार्टिंग में क्यों लाया, क्योंकि वो अल्फाबेट वाइज सबसे छोटा है। तो मैंने ये कहा था बार बार आपको कि जब मैं नंबरिंग करता हूं तो नंबरिंग करते वक्त मेरा पूरा चीज किस पे डिपेंड रहना चाहिए, स्टेप्स या फिर प्रोसेस पे डिपेंडेंट रहना चाहिए मेरा नंबरिंग। तो सबसे पहले जब मैं अल्फाबेट्स को या फिर वर्ड्स को नंबरिंग करूंगा तो सबसे पहले मुझे कॉपी यानी कि सी चाहिए, उसके बाद ई, उसके बाद सी ई अपने जगह शिफ्ट होते जा रहे हैं, जी चाहिए, फिर एच, फिर एम, मतलब भाव जो कंसोनेंट्स या सॉरी जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे चाहिए। तो ढूंढिए आपके वर्ड्स क्या क्या है, मोबाइल, लैपटॉप, स्पीकर, सेंट्रल, डेस्कटॉप, गोल, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे नंबरिंग कर दीजिए। तो सबसे पहला आपका आ गया सी, तो ये लेफ्ट को जाएगा 1L, फिर आपका सी के बाद डी, डेस्कटॉप 2L, फिर आपका सी डी जाने के बाद गोल जाएगा 3L, फिर ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल, एल लैपटॉप मतलब ये जाएगा फोर्थ में लेफ्ट को जाएगा, और ये मोबाइल उसके बाद फिफ्थ में लेफ्ट को जाएगा, और ये स्पीकर आपका लास्ट में सिक्स्थ में लेफ्ट को जाएगा, क्लियर है। अब मुझे किनको अरेंज करना है, नंबर्स को मतलब नंबरिंग करना है। जब मैं नंबर्स को नंबरिंग करता हूं तो सबसे पहले 729 को नहीं लिया हमने, 27 को लास्ट में लिया फिर उसका स्क्वायर कर दिया, फिर 625 को लास्ट में लिया उसका स्क्वायर कर दिया, फिर 22 को लास्ट में लिया फिर उसका स्क्वायर कर दिया, मतलब 27, 25, 22, मतलब नंबर्स को नंबरिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, नंबर्स को नंबरिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे मैंने नंबरिंग किया, नंबरिंग मैंने जब किया तो सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में 25 ये सबसे पहला नंबरिंग होगा और राइट को जाएगा इसलिए 1R, उसके बाद डिक्रीजिंग छोटा नंबर 25 से 23 ये सेकंड में जाएगा राइट को, फिर उसके बाद छोटा 21 ये थर्ड में जाएगा, फिर उसके बाद छोटा कौन है, अरे भैया 26 है, सॉरी माफ कर दीजिएगा, 26 सबसे बड़ा नंबर है ये सबसे फर्स्ट राइट को जाएगा, उसके बाद 25 राइट को जाएगा, उसके बाद 23 राइट को जाएगा, उसके बाद 21 राइट को जाएगा, उसके बाद 20 राइट को जाएगा, और उसके बाद 19 राइट को जाएगा,
क्लियर है सिक्स स्टेप। अब यहां से आपको क्लियर होना चाहिए कि चाहे एल की बात करें या आर की बात करें, छे छे मतलब मैक्सिमम आपके सिक्स स्टेप्स ही लगने वाले हैं, तो इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं, सिक्स स्टेप लगने वाले हैं। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो करना है, जब भी मुझे कभी भी आउटपुट लिखना होगा, ये आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आउटपुट के ऊपर डिपेंड करेगा, नंबरिंग स्टेप्स के ऊपर डिपेंड करता है और आउटपुट आउटपुट के ऊपर। आउटपुट मैंने देखा तो ये सारे के सारे आउटपुट जब वर्ड्स की बात कर रहा हूं तो वर्ड्स मेरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे बड़ा वाला वर्ड पहले, तो मैंने देखा कि मेरे जो इनपुट में सबसे बड़ा वाला वर्ड कौन है, स्पीकर, और स्पीकर को मुझे सबसे पहले रखना है तो स्पीकर के साथ नंबर क्या एसोसिएट है, सिक्स, मतलब सिक्स से स्टार्ट होगा मेरा वर्ड, सिक्स से स्टार्ट होगा मतलब सिक्स से वन तक जाना है मुझे वर्ड्स को लेके। फिर मुझे नंबर्स को लेना है, जब मैंने नंबर्स को देखा तो 729 से मुझे 169, मतलब नंबर्स मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, मतलब बड़े से छोटे, सबसे बड़ा वाला नंबर मेरे पास कौन सा है, सबसे बड़ा वाला नंबर मेरे पास 26 अवेलेबल है, और उसके ऊपर नंबरिंग क्या किया गया है, वन नंबरिंग किया गया है। अगर ये सबसे पहले आने वाला है तो अगर इसका नंबरिंग वन है तो वन से अभी मुझे कहां तक जाना है, सिक्स तक जाना है। ये चीज मैंने चार बार इसको आज मिला के करवाया है, अगर समझ में नहीं आया तो और एक बार प्लीज वीडियो को देखिएगा, ऐसा नहीं कि वीडियो को दो बार देखने में आपको कोई शर्मिंदगी वाली बात है, कोई और नहीं जानेगा, आप खुद व खुद देख सकते हैं, ठीक है। आप देख के आराम से सीख के इंप्लीमेंट करेंगे तभी जाकर फायदा होगा, मतलब आउटपुट जब होगा तो सिक्स से वन, वन से सिक्स, सिक्स से वन, वन से सिक्स। तो बस मैंने नंबरिंग ऊपर कर दिया है और इसको आपके लिए लिख दिया, सिक्स से वन तक जाएगा आपका क्या वर्ड, और नंबर भी आपका कौन से कहां तक जाएगा, वन से सिक्स तक जाएगा आपका नंबर, ठीक है। अब डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग में कंफ्यूज मत होइएगा, दो बार हम कर रहे हैं, एक नंबरिंग करते वक्त और दूसरा हम स्टेप्स का आउटपुट लिखते वक्त। अब बोल रहा है व्हाट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेप फोर ऑफ द एवव अरेंजमेंट। कोई कुछ नहीं लिखेगा, प्लीज ड्रॉप योर पेन्स, ड्रॉप मतलब क्लोज योर रफ शीट, कुछ सब कुछ बंद कर दीजिए, बस दिमाग सुनिए। स्टेप फोर का आउटपुट क्या हो सकता है, भैया कौन सा स्टेप, सर स्टेप फोर। स्टेप फोर में कितने एलिमेंट्स प्रोसेस किए गए होंगे, चार एलिमेंट। कैसे, चार लेफ्ट की ओर प्रोसेस किए गए होंगे, चार राइट की ओर प्रोसेस किए गए होंगे। जो लेफ्ट में प्रोसेस किए जाते हैं वो सिक्स से वन यानी कि चार से एक तक गए होंगे, मतलब 4L, 5L, sorry 4L, 3L, ये विजुअलाइज करना है। रफ शीट में अगर ये आ गया तो पूरा स्टेप ही लिख दीजिएगा, ठीक है, 4L, 3L, 2L ऐसे करके गया होगा। और जब बात करते हैं राइट की, तो राइट में मेरे कैसे गए होंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लास्ट के चारों रहे होंगे, मतलब सबसे लास्ट में 1R, 2R, 3R, 4R, ये आपके दिमाग में आना चाहिए, ऐसा रहा होगा। और बीच में चार आपके ऐसे एलिमेंट्स रहे होंगे जो प्रोसेस नहीं किए गए। सर चार कैसे पता चला, अरे 12 एलिमेंट्स था ना तभी तो 6 स्टेप्स लगे थे, ये गए चार, ये गए चार, तो बीच में और चार होंगे। लेकिन अगर मुझे पूछा गया स्टेप फोर तो कैसे आना चाहिए, 4L, 3L, 2L, 1L। 4L मतलब कौन है, लैपटॉप, 3L यानी कि कौन है गोल, 2L यानी कि कौन है 12L यानी कि डेस्कटॉप, और 1L यानी कि कौन है सेंट्रल, मतलब लैपटॉप गोल डेस्कटॉप सेंट्रल, लैपटॉप गोल डेस्कटॉप सेंट्रल, मतलब क्लियरली ऑप्शन नंबर डी यही होगा, क्योंकि यहां पे लैपटॉप 4L, गोल 3L, डेस्कटॉप 2L और सेंट्रल 1L हो रहा है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये सीक्वेंस और किसी में भी नहीं है, तो क्लियरली यही मेरा आंसर बन जाएगा। क्लियर है डी सर, वेरी गुड। चलिए विशाल वैष्णव, अभी चक्रवर्ती आज्ञा घोष, वेरी गुड। अब इसको करके लिखाइए। अब ये दिमाग में रखिएगा कि जब भी आपको आउटपुट लिखना है तो लेफ्ट से आपको कैसे आना है, लेफ्ट से आपको 6 से 1 डिक्रीजिंग में आना है, और राइट में आपको कैसे जाना है, राइट आपको 1 से लेके 6 तक जाना है। एक बार मैं देख लूं सही है तो 6 से 1, 1 से 6, वेरी गुड। चलिए अब बताइए विच लेटर और नंबर, ये बता देंगे तो मतलब क्लियर है भैया। डी सर, वेरी गुड। हम ये भी देख सकते हैं, फोर वर्ड से अरेंज, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, फोर वर्ड से अरेंज, बिल्कुल। ये ऑप्शन थोड़ा जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप देख ही सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा फोकस है कॉन्सेप्ट सिखाना, दीपिका शर्मा परफेक्ट है। चलिए अब बोल रहा है कि विच लेटर और नंबर इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन स्टेप 5। कौन सा स्टेप चाहिए, आराम से देखिए, कौन सा स्टेप चाहिए, सर फिफ्थ स्टेप चाहिए, ठीक है। फिफ्थ स्टेप में कितने एलिमेंट्स प्रोसेस किए गए होंगे, 5 एलिमेंट प्रोसेस किए गए होंगे। कौन से 5, 5 लेफ्ट की ओर, 5 राइट की ओर। विजुअलाइज कीजिए, 5 लेफ्ट की ओर, 6 से 1 मतलब 5,
5L, 4L, क्योंकि 6th वाला अभी तक प्रोसेस नहीं किया गया होगा, 5L, 4L, 3L, 2L ऐसा करके गया होगा 1L तक, फिर दो एलिमेंट्स अनप्रोसेस्ड रहे होंगे जो कि 6th स्टेप में प्रोसेस होंगे, और फिर ये सीक्वेंस 1R, 2R ऐसे करके 5R तक गया होगा। बस विजुअलाइज, ये स्टेप बिल्कुल भी रफ शीट में नहीं आना चाहिए। अब मुझे दिखाइए क्या बोलता है, बोल रहा है कि स्टेप 5 में 4th फ्रॉम द लेफ्ट, भैया कुछ करने की जरूरत थी आपको, कुछ करने की जरूरत थी, कुछ नहीं, फोर्थ एलिमेंट लेफ्ट से कौन होगा? अरे भैया स्टेप अगर मुझे चाहिए 5, तो 5 में मुझे पता है कि 5 एलिमेंट प्रोसेस किए गए होंगे, 5 एलिमेंट जो लेफ्ट से प्रोसेस किए गए होंगे वो सीक्वेंस कैसा होगा, 6 से 1 यानी कि 5L, 4L, 3L, 2L, 1L ऐसा करके आया होगा। मुझे फोर्थ एलिमेंट लेफ्ट से चाहिए, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब यही एलिमेंट चाहिए जो 2L होगा, वही तो मेरा आंसर होगा। 2L कौन है भैया? डेस्कटॉप मेरा 2L है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप हो जाएगा। मेरे ख्याल से इतना तो आप कर ही सकते हैं दिमाग में, ये एक क्वेश्चन तो दिमाग में हो सकता था कि अगर आप में थोड़ा अच्छे से पढ़ते कि सर फोर्थ एलिमेंट पूछा है, मतलब ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं, और स्टेप 5 भी है, मतलब फोर्थ एलिमेंट ऑलरेडी प्रोसेस किया गया होगा। तो स्टेप 5 में 5 एलिमेंट जो प्रोसेस किए गए होंगे स्टार्टिंग में, 5, 4, 3, 2, 1 करके प्रोसेस किए गए होंगे, और फोर्थ मतलब कौन होगा? यही वाला जो कि 12 होगा, और 12 किसका है भैया? डेस्कटॉप का नंबर है, तो आंसर डेस्कटॉप बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन को कर दीजिए तो मजा आ जाएगा आपको भी। मैं नंबरिंग कर देता हूं, ठीक है, 5L, 4L, 3R, नंबरिंग यहां पे नहीं है, 5L, 4L, 3R, इसको सीख के जाइए अच्छे से, 4L नहीं है, 4R है, अच्छा 5L क्या हो गया, 5L, 4R, 3R, आराम से देखिएगा, थोड़ा एक सेकंड रुक जाइए, मैं खुद गड़बड़ कर रहा हूं आपके लिए, 1R, 6L, 1L, 1R, 6L, 1L, 5R, 2L, 5R, 2L, एक सेकंड रुकिए, 3L, 6R, 2R, 3L, 6R, 2R, नंबरिंग हो चुका है, और रफशीट में नंबरिंग तो एक ही बार होता है, ठीक है, डेस्कटॉप, वेरी गुड। सर क्या सप्लीमेंटरी एग्जाम में एवर 50% कैंडिडेट ऐड हुए? नहीं, इतना नहीं हुए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टैट्स इतना तो बिल्कुल भी नहीं हुए, ठीक है। बहुत जरूरत है सर डिजिट सम का कॉन्सेप्ट, डिजिट सम का कॉन्सेप्ट, हाँ बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट, वेरी गुड। अगर आप बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट मुझे अगर सिखा देता ना, तो मैं इतना आप लोगों के डाउट्स और क्रिएट नहीं होता, ठीक है। बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट में आपको बहुत चीजें बता देता कि जीरो होते ही न्यूमरेटर में क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों अगर डिनोमिनेटर में जीरो होने से क्यों नहीं हो पा रहा है, कॉन्सेप्ट जरूरी था, मैंने सोचा कि आपको ट्रिक ही दे दे, लेकिन गड़बड़ हो गया तो हो गया, चलिए उसको सुधार ही देंगे, कभी ऐसा हमने आपके साथ खिलवाड़ नहीं किया था, पहली बार हो गया, ठीक है, चलिए। हाँ बिल्कुल, अगर कोई एक स्टेप का आपको लॉजिक घुसा नहीं दिमाग में तो गया। अब देखिए ध्यान से मैं क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं कलर थोड़ा चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर नंबरिंग मैंने ब्लू से कर दिया, तो रेड करने से आपका अच्छा होगा। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स विच आर फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड इन स्टेप 2, यानी कि स्टेप 2 में लेफ्ट से फिफ्थ एलिमेंट आपको चाहिए, और थर्ड फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप 5। आराम से देखिए, स्टेप 5 में मुझे राइट से थर्ड चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा भैया, आराम से देखिए। अगर मैं स्टेप 2 की बात करूं तो स्टेप 2 में सिर्फ दो ही एलिमेंट प्रोसेस किए गए होंगे, हाँ या ना? कौन कौन से दो? पहले 1L और 2L जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, मतलब 2L और 1L ऐसे, और एक्सट्रीम राइट में कौन चले गए होंगे? 2R और 1R, सॉरी 1R और 2R, क्योंकि लास्ट में आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं, मतलब कहीं ना कहीं 1L, 2L, 1R, 2R ऑलरेडी अरेंज हो चुके हैं अपने जगह, 1L, 2L, 1R, 2R अपने जगह कहीं ना कहीं आपस में स्टार्टिंग और एंड में अरेंज हो चुके हैं। अब आपको चाहिए फिफ्थ एलिमेंट। जब मैं लेफ्ट से बात कर रहा हूं, एक दो एलिमेंट आपका 2L और 1L जा चुके हैं, अब आपको फिफ्थ चाहिए, मतलब एक दो तीन, अभी जो तीसरा होगा वो 1, 2, 3, 4, 5 सीक्वेंस के लिए फिफ्थ होगा, तो अभी ये चार एलिमेंट्स को काटने के बाद आपका सीक्वेंस यहां से स्टार्ट होगा, मोबाइल 21, 23, लैपटॉप वगैरह ऐसा करके जाना चाहिए, तो अगर ऐसा करके जाना चाहिए तो अभी तीसरा एलिमेंट जो होगा वही आपका फिफ्थ एलिमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट है मोबाइल, सेकंड एलिमेंट है 21, और थर्ड एलिमेंट होगा 23, मतलब ये हो गया मेरा क्लियरली 23। इज इट क्लियर? वेरी गुड, किन्होंने पूरा परफेक्ट आंसर किया है भैया, दीपिका शर्मा, जबरदस्त है, ठीक है। तो ये चीजें दिमाग में आ सकते हैं कि 23 की बात की जा रही है। अब देखिए स्टेप 5 में आपके 5 एलिमेंट प्रोसेस किए गए होंगे, राइट से थर्ड चाहिए, राइट की अगर मैं बात करूं तो राइट एंड में 1 से 6, मतलब इंक्रीजिंग में चल रहा है नंबरिंग, और राइट से जब 5 ही एलिमेंट नंबरिंग किए गए होंगे तो कैसे नंबरिंग किए हो गए होंगे लास्ट के 5? 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, यही लास्ट के आपके 5 एलिमेंट्स होंगे,
क्योंकि पांच, फिफ्थ स्टेप में पांच राइट के एलिमेंट्स आपके अरेंज हुए हुए। अब आपको राइट से तीसरा एलिमेंट चाहिए। राइट से तीसरा मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब क्लियरली 3R जो होगा वही होगा थर्ड राइट स्टेप 5 का। अब 3R किसके ऊपर है भैया? 3R 23 के ऊपर है। सर 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 इसको मैं 23 लगा दूं क्या? गलत हो जाएगा। अब आइए कॉमन सेंस की बात। अब मुझे यह बताइए, जब मैं अरेंज कर रहा हूं तो अगर मैं 27, क्या फर्स्ट स्टेप में यहां पे 27 लिखा गया था? नहीं, 729, क्योंकि क्या हुआ, जिसको हम प्रोसेस कर रहे हैं उसको चेंज कर देते हैं उसके स्क्वायर में। तो अगर मेरा थर्ड राइट 3R प्रोसेस हुआ है तो 3R वाकई में 23 हुए, लेकिन वो प्रोसेस होने के बाद 23 का स्क्वायर बन गया होगा। तो आपको हर स्टेप में लिखने की जरूरत नहीं, आपको जब जरूरत होगा आप तभी निकाल सकते हैं कि 23 का स्क्वायर 529, मतलब थर्ड राइट में आपका कौन होगा? 529 होगा। आपको इन दोनों का सम चाहिए, 9 3 12 2 4, ये 5, ये हो गया 5। तो आंसर कितना हो गया? 552, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, कंडीशन पूरा क्लियर है। अब चलिए बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन एक कर दीजिए ताकि आपको भी पता चले कि सब कुछ सही चल रहा है आपके साथ। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड फ्रॉम राइट एंड इन स्टेप 3। स्टेप 3 में कितने एलिमेंट्स प्रोसेस किए गए होंगे? 3, लेफ्ट की ओर 3, राइट की ओर 3। आपको कौन से एंड से जाना है? आपको राइट एंड से आना है। राइट में जब मैं सजाता हूं तो किस हिसाब से सजाता हूं? अगर आपको ध्यान होगा तो स्टार्टिंग में देखिए, राइट में 1 से लेकर 6 तक सजाया जाता है। 1 से लेकर 6 तक सजाया जाता है, मतलब अगर 3 ही एलिमेंट राइट में प्रोसेस किए गए होंगे तो, और वो असेंडिंग में होंगे, तो 1R होगा, 2R होगा और 3R होगा। और थर्ड फ्रॉम द राइट एंड की बात करूं तो ये अगर सबसे लास्ट के 3 हैं तो तीसरा राइट से कौन होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब 1R होगा। अब 1R जिसके ऊपर लगा होगा वही आपका आंसर होना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1R मेरा लगा है, देखिए अगर आप देख सकते हैं पिछले क्वेश्चन में मैंने रिवर्स कर दिया इसको, 1R किसके ऊपर लगा है हमारे नंबरिंग के हिसाब से? 26 के ऊपर। लेकिन 26 आंसर इसीलिए नहीं होगा क्योंकि 1R प्रोसेस हो चुका है, और अगर प्रोसेस हो चुका है तो 26 का स्क्वायर यानी कि 676 आया होगा। तो आंसर आपका क्लियरली कितना हुआ होगा? 676। कंडीशन बहुत ही अच्छे से क्लियर है। अब चलते हैं आपके SBI PO प्रीलिम्स 2018 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का, ये आंसर आराम से कर देंगे तो आपको आज लगेगा कि हां भैया कुछ हद तक हमने चीजों को सीखा। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये भी नंबरिंग में ही होगा, ठीक है। 529 क्यों? 23 तो हुए ही नहीं, 23 तो नहीं था, 26 था, 676 होगा आंसर। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए, अगर सेशन पसंद आया होगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, और अगर समझ में नहीं आएगा अभी लाइक मत कीजिएगा, एक बार बार थोड़ा रिवाइज करके देखेंगे सेशन को, तब क्लियर होंगे, साइड बाय साइड रखेंगे, चीजों को सुनेंगे, ध्यान देंगे, तभी चीजें घुसेंगे अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस सुन सुन के हो जाएगा, सबसे डिफिकल्ट चीजें ये है, ठीक है, इसीलिए तो आप लोग भी तरस रहे थे कि सर ये सेशन लाए। चलिए, हाँ, SBI PO Pre में आया है ऑलरेडी, देखिए मेमोरी बेस्ट है ना, SBI PO Pre में आया है तो हम आने के एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, ठीक है, इसीलिए तो हम PO के प्री से करवा दिए। चलिए, क्लियर है, नंबरिंग वंबरिंग जो कैसे करना था आपने कर लिया। अब देखिए, एक सेकंड, क्या हो गया भैया? मैंने इनपुट देखा और मैंने आउटपुट देखा, आउटपुट के नंबर मुझे इनपुट में नहीं दिख रहे। सर क्यों? 77 इनपुट में नहीं है, 57 इनपुट में नहीं है, 31 इनपुट में नहीं है, 20 21 कुछ इनपुट में नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं, 77 इनपुट में नहीं है लेकिन 76 इनपुट में है, 57 इनपुट में नहीं है लेकिन 56 इनपुट में है, मतलब इनपुट से आउटपुट आते आते प्लस वन का तो चक्कर हो रहा होगा, ये सबको पता होगा, कमेंट कर दीजिए अगर आपको प्लस वन का कॉन्सेप्ट दिख रहा है। चलिए, जब मैंने आउटपुट की ओर एक बार बस नजर घुमाया, बस आउटपुट की ओर नजर कैसे घुमाना होता है बस दिखा देते हैं। आउटपुट में ये सारे के सारे मेरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और ये सारे के सारे मेरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। देखिए, ये डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ना 1 से 5, 5 से 1 में उनका कोई रोल नहीं है, वो अलग है, नंबरिंग और आउटपुट दोनों अलग चीजें हैं, बस ये आपके कॉमन सेंस के लिए मैंने दिखाया। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे नंबरिंग करना है। जब मैंने नंबरिंग किया तो मैंने स्टेप्स के ऊपर ध्यान दिया, देखिए आराम से, तो मुझे अभी नंबरिंग करना है।
नंबरिंग जब हम करते हैं तो हम किसके ऊपर फोकस करते हैं, हम स्टेप्स के ऊपर फोकस करते हैं, और जब स्टेप्स के ऊपर प्रोसेस मतलब फोकस करते हैं तो हम देखते हैं कि कौन से एलिमेंट को प्रोसेस किया जा रहा है। अब प्लस वन का चक्कर अगर हुआ है आपको आउटपुट में पता चल रहा है तो सबसे पहले 20 आया है और लास्ट में 21 आया है, और प्लस वन अगर होके आए हैं मतलब 19 को प्लस वन करके 20 सबसे स्टार्टिंग में लिया गया है और 20 को प्लस वन करके 21 लास्ट में लिया गया है। ये 19 और 20 ही क्यों? क्यों? क्योंकि इस टोटल सीक्वेंस में अगर देखें तो 19 और 20 सबसे छोटे दो नंबर्स हैं। जो सबसे छोटा है 19, उसको पहले ले आया गया है प्लस 1 करके 20, और जो उसके बाद वाला नंबर है 20, उसको बाद में ले आया गया है प्लस 1 करके 21। क्लियर है? अब नेक्स्ट इस सीक्वेंस के जाने के बाद 20 और 21 को अरेंज या फिर शिफ्ट करने के बाद अब मैंने देखा कि मेरे क्या क्या छोटे छोटे नंबर से, अब सीक्वेंस में 30 एंड 50 आर द स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर्स, क्योंकि 69, 96, 56, 76 इन सबसे तो 30 और 50 छोटे ही है, लेकिन 30 और 50 में सबसे छोटा कौन है? 30 है, ज्यादा छोटा, उसको पहले ले आना है प्लस 1 करके 31 और 50 को बाद में ले आना है प्लस 1 करके 51। क्लियर है? फिर आपको ऐसे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो अब जब मैंने स्टेप्स को देखा तो मैंने यहां पे जब नंबरिंग किया तो मुझे वही चीज है, देखिए जितने भी तरीके हैं मैं आपको सिखा दे रहा हूं, जितने भी तरीके हैं, 5 स्टेप, वेरी गुड। तो सबसे पहले मुझे ढूंढना है दो सबसे छोटे नंबर, हां सर ढूंढ लिया मैंने, एक है 10 और एक है 11, लेकिन सबसे छोटा कौन है? 10 है, तो वो जाएगा लेफ्ट में, तो फर्स्ट स्टेप में ये लेफ्ट जाएगा और फर्स्ट स्टेप में ये राइट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सबसे छोटे थे, लेकिन ये जो ज्यादा छोटा है वो लेफ्ट, जो थोड़ा बड़ा है वो राइट। अब लेकिन ये 10 और 11 नहीं जाएंगे, 10 में प्लस 1 होके 11 जाएगा और 11 में प्लस 1 होके 12 जाएगा। क्लियर है यहां तक? सॉरी, हाँ, अभी मुझे सेकंड स्टेप के लिए दो और छोटे नंबर चाहिए। 10 और 11 जाने के बाद दो छोटे नंबर मुझे कौन कौन मिले? एक 17 मिला और 34 मिला। छोटा कौन है? 17 है, इसको सेकंड स्टेप में लेफ्ट को भेज दीजिए प्लस 1 करके, लेकिन प्लस 1 अभी नहीं, जब जरूरत होगा तब, और इसको राइट में भेज दीजिए 2R। ठीक है, अब मुझे दो और छोटे नंबर चाहिए, एक मिला 50 और एक मिला 55। छोटा है 3L, 55 है 3R। क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं तो 78 और 85 यही है ना, तो छोटे 78 और 85, 78 ज्यादा छोटा है तो फोर्थ स्टेप में ये लेफ्ट में आएगा और 85 उससे बड़ा है तो फोर्थ स्टेप में ये राइट आ जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं तो 88, 92 जल्दी 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 आप निपटाएंगे तो 5L ये जाएगा, 5R ये जाएगा। बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपको ये नंबरिंग कर देना है। नंबरिंग करने के बाद आपको देखना है कि यहां पे मेरे आउटपुट जो होंगे वो किस हिसाब से आएंगे। जब मैंने आउटपुट की ओर नजर दिया, आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड करता है? फाइनल आउटपुट के ऊपर। तो नंबर्स जो लेफ्ट में है ना वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, देखिए ध्यान दीजिएगा, नंबर्स जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है लेफ्ट में। तो लेफ्ट में अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसका मतलब ये नहीं कि 5-1 होगा ही होगा कंफर्म, ये नहीं। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले बड़ा नंबर रहना चाहिए। तो मुझे बताइए लेफ्ट के कैटेगरी में, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, देखिए आंख खुला करके देखिए, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट के कैटेगरी में है, और एक को ये लेफ्ट के कैटेगरी में, मतलब यही नंबर सारे के सारे लेफ्ट में जाने चाहिए, और यहां पे सबसे बड़ा वाला नंबर ही लास्ट में जाएगा। तो सबसे बड़ा वाला नंबर यहां पे कौन है? 88 है। तो अगर 88 से सीक्वेंस स्टार्ट होगा, 88 के ऊपर नंबर कितना है? 5, मतलब लेफ्ट में 5 से स्टार्ट होगा, और 5 से स्टार्ट होगा मतलब 5 से 1 की ओर जाएगा। राइट की अगर मैं बात करूं तो राइट में नंबर असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। अगर नंबर असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो सबसे छोटा नंबर पहले आएगा, तो जो बचे कुचे नंबर है उनमें सबसे छोटा कौन है? 11 है। और अगर मैं 11 की नंबरिंग की बात करूं तो 11 का नंबर है 1R, मतलब 1 है। तो राइट का जो नंबरिंग है वो कैसा चलेगा? 1 से लेके 5 तक चलेगा। मेरे ख्याल से ये स्टेप मैंने ये मिला के फिफ्थ या सिक्स्थ टाइम आपको ये नंबरिंग का कंडीशन सिखाया। इसको अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देखेंगे, ये आपका काम है, तो मैंने यहां तक कर दिया। अब इतना करने के बाद मैंने नंबरिंग, मुझे यह देखने के लिए पूछा गया कि हाउ मेनी स्टेप्स विल बी नीडेड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट, कितने स्टेप्स मुझे चाहिए, चाहे एल की बात करें या आर की बात करें, मैक्स मेरे पास क्या हाजिर है? 5L और 5R, मतलब 5 स्टेप विल बी सफिशियंट टू गिव द आउटपुट या फिर गेट द आउटपुट। तो आंसर यहां पे कितना हो गया? 5 हो जाएगा। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन मुझे कुछ इस तरह से बोल रहा है, देखिए ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द स्टेप 4, कौन सा यहां पे ऐसा होगा जो कि स्टेप 4 कहलाएगा? ध्यान दीजिएगा, आराम से कीजिए, पूरा 11 नंबर्स है ना, 11 नंबर्स था क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, नहीं 10 नंबर है ना, यहां पे भी 10 है और यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इवन नंबर्स होंगे हमेशा, ठीक है, इवन नंबर्स होंगे, ठीक है। 89,
विशाल वैष्णव, हमें फोर्थ स्टेप की दरकार है, फोर्थ स्टेप की जरूरत है। तो फोर्थ स्टेप कैसे लाएंगे? ठीक है, फोर्थ स्टेप कैसे लाएंगे, मैं एक बार इसको नंबरिंग कर दूं, 3L 12L 4R। तब तक आप लोग फोर्थ स्टेप बताइए, 3L 12L 4R, 3L 12L 4R, 2R 5L, 2R 5L, 3R 1R, 3R 1R, 5R 1L, 5R 1L, 4L। ठीक है, सी आप लोग बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। अब मुझे बताइए, जब मैं आउटपुट निकालने के चक्कर में रहता हूं, तो आउटपुट जब मैं निकालता हूं तो फॉलो क्या होना चाहिए? लेफ्ट वाले फॉलो करने चाहिए 5 से 1, और राइट वाले फॉलो करने चाहिए 1 से 5। मतलब सॉरी कहां गया, तो आउटपुट जब आएगा तो 5 से 1 आएगा और 1 से 5 आएगा। आपको कौन सा स्टेप चाहिए? सर मुझे स्टेप का 4 चाहिए। अगर मुझे स्टेप 4 चाहिए तो 4 एलिमेंट प्रोसेस किए गए होंगे, मतलब लेफ्ट से 4L, 3L, 2L, 1L, ये विजुअलाइजेशन करना है। ठीक है, यही रहे होंगे, बीच में 2 एलिमेंट्स आपके जो फिफ्थ वाले हैं वो प्रोसेस नहीं किए गए होंगे, और यहां पे 1 से लेके 1R, 2R, 3R और 4R ऐसे करके गए होंगे। ठीक है, तो मैं जब देखा 4L, 3L, 2L, 1L, तो 4L, 2L, 3L और 1L, तो नंबर मुझे क्या मिले, 78, 50, 17, 11। बस एक बार लिख रहा हूं, 78, 50, 17, 11। लेकिन आउटपुट में ये आपको देखने के लिए कभी नहीं मिलेंगे, नन ऑफ दिस मार के मत आइएगा। क्यों? क्योंकि जो भी आउटपुट आपका आएगा, प्रोसेस्ड एलिमेंट हमेशा प्लस 1 के फॉर्म में रहेंगे, मतलब 78, 79 बना होगा, 50, 51 बना होगा, 17, 18 बना होगा, और 11 आपका 12 बना होगा। क्लियर है? 11 आप सॉरी 11 कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 1L सॉरी ये 10 है ना, तो 10 आपका 11 बनेगा, नहीं तो कुछ भी ऑप्शन में नहीं दिखता, 11 बनेगा। तो 79, 51, 18, 11 तो होंगे। 79 यहां पे 50 है, ये नहीं होगा, 51, 18 यहां पे 10 है, ये नहीं होगा, तो सी और डी में यहां पे कंफ्यूजन है। अब सी डी में चेक कीजिए कि कहां से आपका कंफ्यूजन दूर हो सकता है, यहीं से आपका कंफ्यूजन दूर हो सकता है कि अगले 2 एलिमेंट्स आपके क्या होने चाहिए। अब बात अगर स्टेप 4 की चल रही है, मतलब 4 एलिमेंट ही प्रोसेस किए गए होंगे लेफ्ट से और राइट से, मतलब बीच में 2 अनप्रोसेस्ड फिफ्थ एलिमेंट बैठे होंगे, तो कौन कौन है आपके फिफ्थ एलिमेंट? एक है आपका 5L 88 और एक है आपका 5R 92। तो ये आपस में यही सीक्वेंस बरकरार रखेंगे, 88 92, तो इसके बाद सीक्वेंस में 88 92 आना चाहिए, लेकिन प्रोसेस नहीं हुए। इसका मतलब नहीं कि आप इसको 89 और 93 कर देंगे, 88 और 92 अब तक प्रोसेस नहीं हुए हैं, क्योंकि स्टेप 4 चल रहा है और स्टेप 4 में सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स प्रोसेस होंगे। फिफ्थ एलिमेंट ये जो है 5L और 5R, ये फिफ्थ स्टेप में प्रोसेस होकर 89 और 93 बनेंगे। तो इसके बाद 88 और 92 मुझे ऑप्शन नंबर सी में मिला, तो आंसर आपका यही हो जाएगा। क्लियर है कंडीशन? बिल्कुल बढ़िया से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसको कीजिए, इन स्टेप 5 विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड बी एट सिक्स्थ पोजीशन फ्रॉम राइट एंड। राइट से सिक्स्थ निकालिए। आप लोगों ने मेरे ख्याल से नंबरिंग खुद किया होगा ऑप्शन में। राइट से सिक्स्थ एलिमेंट निकालिए, राइट से सिक्स्थ एलिमेंट निकालिए, और कौन से स्टेप में? स्टेप 5 में। बस इतना कीजिए, मैं तब तक एक और बार नंबरिंग कर दूं, 3L 12L 4L। आपको रफशीट में एक ही बार करना है, ठीक है, मुझे बार बार देखना पड़ेगा पीछे, इसीलिए 3L 4R। अब देखते हैं 2R 5L, 2R 5L, और एक आध क्वेश्चन के मतलब बीट्स के बाद खत्म। ठीक है, और अच्छे अच्छे चीजें हैं, सीख के जाइए, 1R 5R, 1R 5R, 1L 4L, 1L 4L। इसको मैराथन लिख देते तो अच्छा होता, 1.5 घंटा लगभग हो चुका है ज्यादा। चलिए, वेरी गुड, 11। अरे भैया आप लोग तो गजब परफॉर्म कर रहे हैं यार। ठीक है, तो मुझे कौन सा स्टेप चाहिए? स्टेप चाहिए 5। अगर स्टेप चाहिए 5, तो एलिमेंट्स प्रोसेस कितने हुए होंगे? अरे स्टेप 5 मतलब फाइनल स्टेप है भैया, ऐसा गड़बड़ करके दे रहा है। फाइनल स्टेप जब मैं बात करता हूं, तो फाइनल स्टेप मेरा कैसे आया होगा भैया? लेफ्ट से आपका ये जो सीक्वेंस है 5 से 1 गया होगा, और फिर राइट से ये 1 से 5 गया होगा, मतलब 5L, 4L, 3L, 2L ऐसे करके गए होंगे, और यहां पे 1L, 2L, 3L, 4L, 5L ऐसे करके गए होंगे। आपको कौन सा पोजीशन चाहिए? सिक्स्थ पोजीशन राइट से। ठीक है, आप राइट से भी निकाल सकते हैं आराम से, लेकिन लेफ्ट से निकालना मेरे ख्याल से आपके लिए इजी होगा, या सिक्स राइट से निकालेंगे, आपकी मर्जी। अब मैंने देखा कि मेरे पास एलिमेंट कितने हैं, जो लोग स्टार्टिंग में नहीं जुड़े थे अभी देख लीजिए, मेरे पास एलिमेंट कितना है? 10 है।
जब मुझे लेफ्ट या राइट कंडीशन कन्वर्ट करना होगा तो मुझे 10 में प्लस 1 करके क्या देखना है, 11 देखना है। 11 कैसे क्या देखना है, मुझे सिक्स्थ कहां से चाहिए, राइट से चाहिए। अगर राइट से मुझे सिक्स्थ चाहिए तो वो लेफ्ट से कितना बन जाएगा, उतना बन जाएगा 11 से माइनस करने के बाद। 11 माइनस 6 यानी कि फिफ्थ, मतलब, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों को ऐड करने से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से एक ज्यादा यानी कि 11 होना चाहिए। अगर ये 6 है तो 6 में कितना ऐड करने से 11 बनेगा, 5, तो फिफ्थ लेफ्ट हैंड से। अगर मैं फिफ्थ, आराम से, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, अगर फिफ्थ स्टेप में मुझे फिफ्थ चाहिए लेफ्ट से, तो लेफ्ट से तो वो लोग 5L, 4L, 3L, 2L विजुअलाइज कर पा रहे हैं दिमाग में, ऐसे हो अरेंज ही होंगे। और यहां से अगर मुझे फिफ्थ एलिमेंट चाहिए तो फिफ्थ एलिमेंट तो यही रहा होगा, मतलब 1L जो होगा वही आंसर। सर 10 10 10 गलत हो गया, नहीं ऑप्शन में। अरे ये प्रोसेस होने के बाद 10 प्लस 1 होके कितना बन जाता है, 11 बन जाता है। तो आंसर क्लियरली कितना आ जाएगा, 11 बन जाएगा। इतना ही तो चीज है आपके दिमाग में चलना चाहिए। अब ये आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसको आपको थोड़ा विजुअलाइज करके आंसर बताना, या फिर ये बता के चले जाएंगे, ये बताने से नेक्स्ट वाला होमवर्क दे देंगे, ये एक लास्ट क्वेश्चन बता के चले जाते हैं, 1.5 घंटा भी हो जाएगा परफेक्टली। ध्यान देखिएगा, जो लोग नहीं समझे अभी समझिए आराम से, लास्ट क्वेश्चन है, अभी तो कम से कम सीख के जाइए। बोल रहा है कि 92 का पोजीशन, पहले तो मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग बस ये कीजिए कि 92 का फोर्थ स्टेप में पोजीशन कहां से आना चाहिए। आप अपने दिमाग में मुझे बता दीजिए लेफ्ट से क्या पोजीशन होगा और राइट से क्या पोजीशन होगा, कमेंट बता दीजिए कि स्टेप फोर में 92 का लेफ्ट से क्या पोजीशन होने वाला है और राइट से क्या पोजीशन होने वाला है। उस तब तक मैं नंबरिंग कर दूं, 3L 2L 4R, 3L 2L 4R, नंबरिंग हर बार जरूरी भी नहीं हो रहा, लेकिन कई बार अगर जरूरत हो जाएगा 5L 3R 1R 3R 1R 5R 1L 5R 1L और ये हो गया आपका 4L। क्लियर है यहां तक, वेरी गुड। सिक्स्थ फ्रॉम राइट, सिक्स्थ फ्रॉम राइट, कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या आप लोग, सी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, रीजनिंग का पूरा खेल यहीं पे है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट का कंडीशन देखिए। भैया कौन सा स्टेप पूछा गया, सर स्टेप फोर पूछा गया। स्टेप फोर में अगर मैं बात करूं तो कैसे अरेंज होके रहे होंगे, 4L, 3L, 2L, 1L ऐसे गए होंगे। फिफ्थ वाले जो दो हैं वो बीच में अनअरेंज होके रहे होंगे, अनप्रोसेस्ड होके रहे होंगे, और राइट में कैसे गए होंगे, 1R, 2R, 3R, 4R ऐसे करके गए होंगे। अब मैं अगर बात करूं तो 92 का नंबर कितना है, 92 का नंबर है 5R। तो मुझे बताइए 5 वाला चीज तो स्टेप फोर में प्रोसेस हुआ ही नहीं होगा। अगर 92 प्रोसेस हो भी जाता तो 93 बन जाता, तो वो कभी 92 का स्टेप 4 में नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि अगर ये प्रोसेस्ड हुआ होता तो 93 बन जाता, उसने 92 पूछा है मतलब वो अनप्रोसेस्ड है। अनप्रोसेस्ड आपके फोर्थ स्टेप में कौन कौन रहेंगे, जिनके ऊपर 5 लगा होगा, क्योंकि ये फिफ्थ स्टेप में प्रोसेस होने वाले हैं। और अगर वो प्रोसेस हुए नहीं तो उनके बीच में ये सीक्वेंस कैसा रहा होगा, 88 यहां पे रहा होगा, 92 उसके बाद यहां पे रहा होगा। और अगर मुझे 92 का पोजीशन चाहिए, चाहे राइट से बात करें या लेफ्ट से बात करें, तो लेफ्ट से निकाल दीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया, मतलब लेफ्ट से सिक्स्थ हो गया, ठीक है, लेफ्ट से कुछ सही है तो, हाँ लेफ्ट से कितना हो गया, सिक्स्थ। तो लेफ्ट से सिक्स्थ है, सिक्स्थ कहां है, सिक्स्थ है फ्रॉम द राइट है, नहीं ये तो गलत होगा। अगर लेफ्ट से सिक्स्थ होगा तो मैंने क्या कहा था, एलिमेंट्स मेरे पास कितने हैं, 10, 10 में एक मिलाइए कितना हुआ, 11। आपको अगर लेफ्ट से सिक्स दिया गया है तो सिक्स में कितना मिलाने से, 11, 5 मिलाने से, तो राइट से वो कितना होगा, 5, या फिर गिन लीजिए 1 2 3 4 5 यही होगा आपका। तो राइट से वो एलिमेंट कितना होना चाहिए, फिफ्थ होना चाहिए, तो फिफ्थ फ्रॉम द राइट। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, जितने लोगों ने कहा था ऑप्शन नंबर डी, हल्का फुल्का गलत हो गया। या तो आप कह सकते हैं सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट जो कि ऑप्शन में गिवन नहीं है, फिफ्थ फ्रॉम द राइट जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। अगर दोनों गिवन नहीं होते तो नन ऑफ दिस हो जाता। अब आपका बस इतना काम है, अभी लाइव चैट में नहीं, लाइव चैट में नहीं, आपका काम है कि कमेंट बॉक्स में ये सेशन खत्म होने के बाद इस क्वेश्चन का बस ऑप्शन नंबर डाल दीजिए, पूरा नंबर डालना नहीं चाहिए, ऑप्शन नंबर ए या बी या सी, बस ये करके आप आंसर दे दीजिए कि होमवर्क आंसर इज इतना। और ये भी बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। सेशन अभी तक अगर पसंद आया होगा तो डेफिनेटली आपने लाइक कर ही दिया होगा, दोस्तों के साथ शेयर भी बिल्कुल कर दीजिए। और हाँ, अगर कुछ क्लियर कंफ्यूजन डाउट्स रहे होंगे तो दोबारा सेशन को देखने में कोई शर्मिंदगी नहीं है, आप लोग देख के सेशन को सीख सकते हैं, सीखने से ही आगे बढ़ेंगे। तो बस यही कह के आज के सेशन को हम एंड करते हैं, और जो भी आपके डाउट्स हैं सारे के सारे कमेंट बॉक्स पे बिल्कुल ड्रॉप कर दीजिए। और अगर लास्ट चीज, जितने लोग हैं टिप देके जाते हैं, एक टिप, फाइनल टिप याद रखिएगा,
फाइनल टिप ये है कि अगर इस सेशन में आपको ज्यादा चीजें दिमाग में घुसा नहीं, तो आपका काम है सारे के सारे स्टेप्स लिख के आंसर निकालिए, स्टेप पूरा लिख के आंसर निकालिए, ताकि आपको स्टेप्स के बीच में क्या चल रहा है वो चीजें पता चलेगा, और वो चीजें पता चलने के बाद ये शॉर्टकट डालने से आप ज्यादा अच्छे से सीखेंगे। हमेशा ट्रेडिशनल मेथड बेस्ट होता है, उसके बाद ही आपके शॉर्टकट मेथड्स आते हैं। तो बस यही कह के आज के सेशन को एंड करते हैं। सेशन पसंद आएगा तो अपने लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ऐसे ही हम क्वालिटी कंटेंट के साथ आप सबसे मिलते रहेंगे, जुड़े हमारे साथ, देखते रहे कैरियर डिफाइनर। तब तक कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, डाटा बाय। थैंक यू सो मच वॉचिंग, थैंक यू।